किसी मोबाइल में अगर नो डिस्प्ले का फॉल्ट आता है तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है, या मोबाइल में समटाइम्स कलर का इश्यू आ जाता है, जैसे डिस्प्ले में ग्रीन लाइन आना या ब्लू लाइन आना, तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। और किसी मोबाइल में व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी आ जाता है तो उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और किसी मोबाइल में ग्राफिक आता है लेकिन लाइट का इश्यू आ जाता है तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है, तो ये सब भी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। मोबाइल में नो डिस्प्ले आना या मोबाइल का डिस्प्ले का कलर में प्रॉब्लम आ जाना या मोबाइल का ग्राफिक ओके होना लेकिन उसमें लाइट का इश्यू हो जाना, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल का LCD सेक्शन या मोबाइल का जो ग्राफिक सेक्शन होता है उससे रिलेटेड सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाने से आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो इसका सोल्यूशन जानने से पहले हमें इसका वर्किंग जानना होगा, जैसे ग्राफिक सेक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब ग्राफिक कैसे बनता है और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, और ग्राफिक सेक्शन में बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं तो सभी पार्ट का काम क्या है, और जितने भी पार्ट होते हैं सभी का क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन में जो लाइनें जा रही होती है तो लाइन का क्या काम है, और कौन सा लाइन खराब हो जाने से किस तरह का प्रॉब्लम मोबाइल में दिखाई देता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मोबाइल का और जितने भी प्रॉब्लम होता है वो उसको रिपेयर करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो ग्राफिक सेक्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन होता है। सेक्शन को अच्छी तरह से रिपेयर करने के लिए इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ग्राफिक सेक्शन का डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इसमें होने वाली सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोबाइल का ग्राफिक सेक्शन का फुल सॉल्यूशन। तो पिक्चर या किसी भी चीज को हम कहाँ पे देखते हैं, अपने डिस्प्ले के अंदर, तो इसका जो एंड पॉइंट होता है वो होता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कहाँ जोड़ा जाता है, डिस्प्ले कनेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। तो ये हो गया ग्राफिक निकलने का पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से ग्राफिक डिस्प्ले के अंदर जाता है। तो मानिए अगर किसी मोबाइल में डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो, डिस्प्ले फूट गया, तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले आपको बदलना होगा, लेकिन डिस्प्ले सही होने के बावजूद भी अगर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो ये जो कनेक्टर है इसमें सभी सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको चेक करना होता है। डिस्प्ले कनेक्टर में जो ग्राफिक का सिग्नल आता है वो आता है CPU से, CPU को SoC भी बोला जाता है, CPU को मोबाइल का CPU या जो स्मार्टफोन का CPU होता है उसे बोला जाता है SoC, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों CPU सिर्फ प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है, मतलब एक इसका काम सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं है, प्रोसेसिंग के अलावा इसके अंदर बहुत सारे और भी काम होते हैं, जैसे जो डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर जो ग्राफिक जाता है उसके लिए जो IC होता है वो भी CPU के अंदर ही डाला होता है, और मोबाइल का बहुत सारे और भी पार्ट जैसे कैमरा हो गया और जो फास्ट प्रोसेसिंग पार्ट होता है वो सभी को कंट्रोल करने के लिए जितने भी IC जरूरी होते हैं, जो जितने भी सेंसर लगे होते हैं मोबाइल के अंदर, वो सभी का कंट्रोल CPU करता है, मतलब फास्ट प्रोसेसिंग का काम करने के लिए CPU या SoC रखा गया होता है। और CPU आपको मालूम होगा MediaTek, क्वालकॉम, ये दो CPU ज्यादा चलता है, और किसी किसी मोबाइल में स्पेक्ट्रम का CPU भी चलता है, और Huawei कंपनी का अपना एक CPU है जिसको हाई सिलिकन बोला जाता है, उसके बाद आपका सैमसंग का भी अपना एक अलग CPU है Exynos, आईफोन का भी अपना एक CPU है जिसको A-Series बोला जाता है, मतलब A12, A13, बायोनिक इस तरह से नाम दिया जाता है CPU का, मतलब ज़्यादा करके जो मोबाइल होते हैं उसमें क्वालकॉम या MediaTek का CPU यूज किया जाता है। तो दोस्तों CPU के अंदर वो सारी जो सेक्शन मैंने आपको कही वो सब भी इनबिल्ट होता है, एक ही चिप के अंदर ग्राफिक भी होता है, वाईफाई का सेक्शन भी होता है, और जो कैमरा होता है उसको कंट्रोल करने का, टच को कंट्रोल करने का, सेंसर को कंट्रोल करने का, सभी ICs इसी के अंदर डाला गया होता है। मोबाइल खुल रहा है लेकिन डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो CPU से निकलने वाला जो ग्राफिक सिग्नल होते हैं उस लाइन में कोई खराबी आ जाने से इस डिस्प्ले के अंदर वो सिग्नल नहीं पुगता है और डिस्प्ले में जो ग्राफिक का प्रॉब्लम होता है वो दिखाई देता है। तो दोस्तों CPU से जो यहाँ पे आने वाले जो सिग्नल्स है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो, जैसे आप सबसे ऊपर देख सकते हो MIPI लाइन्स, MIPI लाइन्स, या इसे ग्राफिक लाइन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो लाइन दिखाया है MIPI का, लेकिन मोबाइल के अंदर ए लाइन 4, 6, 8 इस तरह से हो सकता है। इस लाइन का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए क्या होता है, जैसे ये जो LCD कनेक्टर है उसके बगल में आपको कंपोनेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक कंपोनेंट हो गया और यहाँ पे एक कंपोनेंट है, दोनों लाइन में एक एक कंपोनेंट है, इस दोनों लाइन का जो कंपोनेंट होता है वो एरे कंपोनेंट होता है या नेटवर्क कंपोनेंट होता है, मतलब दोनों अटैच होता है एक दूसरे से।
नेटवर्क कंपोनेंट और जो पैक कंपोनेंट होता है वो ज्यादा करके ग्राफिक लाइन में यूज किया जाता है। तो दोस्तों मानिए आपको यहाँ पे तीन कंपोनेंट मिला इस तरह का, मानिए आपको इस तरह का तीन कंपोनेंट मिला, तो आपको क्या समझना है, ग्राफिक का छह लाइनें इस डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर जा रहा है। अगर दो पैक कंपोनेंट आपको मिल रहा है तो आपको क्या समझना है, चार ग्राफिक लाइनें इस डिस्प्ले के अंदर जा रहा है। अगर चार मिला तो आठ ग्राफिक लाइनें इस डिस्प्ले के अंदर जा रहा होता है। तो सभी मोबाइल में ग्राफिक का जो लाइन है वो सेम नहीं होता है, मोबाइल के डिफरेंट सेट में ग्राफिक का जो लाइन है उसका नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ग्राफिक लाइन के बाद चलिए अब दूसरा लाइन को हम जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन है इनेबल और एक लाइन है रिसेट। तो दोस्तों इनेबल का मतलब क्या होता है, सीपीयू क्या करेगा, डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक लाइन को या जो डेटा होता है उसको सेंड करेगा। तो डेटा को सेंड करने से पहले एलसीडी को या जो डिस्प्ले होता है उसको इनेबल करना होता है, उसको पहले एक्टिवेट या उसको ऑन करना होता है, क्योंकि डिस्प्ले ऑलवेज ऑन नहीं, मानिए आपको किसी ने कॉल किया तो कॉल का जो सिग्नल होता है, कॉल का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डिस्प्ले में दिखाना होता है। तो डिस्प्ले में दिखाने से पहले क्या करेगा, डिस्प्ले को इनेबल करेगा, और इनेबल हो जाने के बाद सीपीयू क्या करेगा, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है वो ग्राफिक लाइन और जो डेटा लाइन होता है उसके थ्रू यहाँ पे सेंड कर देता है, और जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है उसमें हम ग्राफिक को देख पाते हैं। इस लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो भी आपका ग्राफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, और इस लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो भी आपका ग्राफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है लेकिन ए लाइन या ए लाइन अगर खराब हो जाता है तो आपका डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रीसेट, रीसेट का मतलब क्या होता है, पुराने इन्फॉर्मेशन को क्लियर करके नए इन्फॉर्मेशन को लोड करना है। जैसे ग्राफिक में जो सिग्नल आ रहा होता है, एक बार जो सिग्नल आया और उसको हटा के हम मानिए उसमें दोबारा दूसरा सिग्नल को लोड करना है, तो पुराने सिग्नल को क्या करना होगा, रीसेट करना होगा। तो इस तरह से इसमें रीसेट का सिग्नल भी आता है, मतलब पुराने जो डिस्प्ले में सिग्नल ऑलरेडी आ रहा है उसको हटा के दूसरा अगर सिग्नल सेंड करना है तो उसको रीसेट करने के लिए रीसेट सिग्नल यूज किया जाता है। डिस्प्ले पहले इनेबल होगा, उसमें कोई डाटा आएगा, डाटा को शो करेगा और उस डाटा को हटा के फिर दूसरा डाटा को सेंड करना है तो उसके लिए एक रीसेट सिग्नल डिस्प्ले में आना जरूरी होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक और सिग्नल है जिसका नाम है एसटीए, एसटीए का मतलब होता है डेटा सिग्नल। तो दोस्तों सीपीयू को जो भी डेटा डिस्प्ले को सेंड करना होता है वो सेंड करने के लिए एक लाइन का यूज किया जाता है जिसको एसटीए लाइन बोला जाता है। तो इससे डेटा ट्रांसफर का काम इस लाइन से किया जाता है। इसके बाद एक और लाइन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एस क्लॉक। मोबाइल का सीपीयू से डिस्प्ले के अंदर जो जितने भी डेटा जाता है तो उस डेटा का स्पीड कितना होना चाहिए, मानिए यहाँ पे 1 byte डेटा ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर से, तो उस डेटा का स्पीड कितना होना चाहिए तो उसका डिसीजन क्लॉक करता है। जैसे डेटा का स्पीड सेकेंड में मेजर किया जाता है, मतलब एक सेकेंड के अंदर मतलब कितना बार इस लाइन से डेटा ट्रांसफर होगा, एक बार होगा या 10 बार होगा या 100 बार होगा या 1,00,000 बार होगा या कितना बार होगा, कितना टाइम होगा, उसका डिसीजन एक क्लॉक करता है। सीपीयू का क्लॉक को गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो सीपीयू का जो क्लॉक होता है वो GHz में होता है, गीगाहर्ट्ज में होता है। तो गीगाहर्ट्ज के मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में अगर एक बार जा रहा है तो उसको 1 hertz बोला जाता है, एक सेकेंड में अगर 1000 बार जाएगा तो उसको 1 kilohertz बोला जाएगा, एक सेकेंड में अगर 1000 kilo जाएगा तो उसको 1 megahertz बोला जाएगा, अगर एक सेकेंड में 1000 megahertz जाएगा तो उसको 1 GHz बोला जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो मतलब सीपीयू से डिस्प्ले के अंदर एक सेकेंड में कितना बार डाटा ट्रांसफर होता है। इसको आप नंबर में कैलकुलेट करोगे तो एक पे आपका कितना 0 हो जाएगा। तो एक सेकेंड में सीपीयू से जो डिस्प्ले में जाने वाला जो डेटा होता है वो इतना बार होता है, क्लॉक का स्पीड GHz में है तो इतना बार सीपीयू से मोबाइल के अंदर डेटा ट्रांसफर होगा। किसी सीपीयू का स्पीड 1.8 GHz है तो 1.8 × इतना बार सीपीयू से डिस्प्ले के अंदर डेटा ट्रांसफर। तो ये जो क्लॉक सिग्नल है उसका मेन काम होता है सीपीयू से डिस्प्ले के अंदर जो डेटा जाएगा उसका स्पीड कितना होगा। तो ये डेटा का स्पीड फिक्स नहीं होता है क्योंकि अभी का जो सीपीयू आता है वो डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, इस तरह का सीपीयू आता है। तो मानिए इसमें 2 CPU है, डुअल कोर सीपीयू है, तो दोनों का स्पीड अलग हो सकता है। एक का स्पीड मानिए 1.8 है और दूसरा का स्पीड मानिए 2.4 है, तो कौन सा सीपीयू काम कर रहा है उसी के मुताबिक एक क्लॉक का स्पीड चेंज होगा और ये डाटा का ट्रांसफर भी चेंज होगा।
मतलब छोटा काम है तो जो कम स्पीड वाले सीपीयू है वो करता है, और बड़ा काम है तो इसमें जो हाई स्पीड वाला सीपीयू है वो काम करता है। इस तरह से एक सीपीयू से डिस्प्ले कनेक्टर में जाने वाले जो सिग्नल होते हैं वो उस सिग्नल को हम ग्राफिक सिग्नल या मीपी लाइन बोल सकते हैं, जिससे ग्राफिक का सिग्नल जाता है, कलर वगैरह इस तरह का सिग्नल जाता है। और दूसरा होता है इनेबल ग्राफिक, या सिग्नल को सेंड करने से पहले इसको ऑन करना होता है तो उसके लिए इनेबल सिग्नल जाता है। सिग्नल एक बार आ जाने के बाद दूसरा सिग्नल पठाने के लिए पुराने जो सिग्नल होता है उसको हटाना होता है तो उसे रीसेट सिग्नल बोला जाता है। और जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इसके थ्रू होता है, और इस ये जो डेटा है उसका स्पीड कितना होना चाहिए तो स्पीड को एक क्लॉक सिग्नल कैरी करता है। तो जो मीपी लाइन होता है उसे ग्राफिक लाइन या कलर लाइन भी बोला जाता है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो अगर शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, इसमें तो डिस्प्ले में क्या होगा, लाइनिंग का इश्यू आ जाएगा। जैसे ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, इस तरह का जो लाइन आता है, या मतलब डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाना, ग्रीन ब्लू इस तरह का कलर डिस्प्ले में दिखाई देना, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको इस लाइन का जो कंपोनेंट होते हैं उसको चेक करना होता है। तो ज़्यादा करके 80-90% जो प्रॉब्लम है इस कंपोनेंट में होता है, तो इस कंपोनेंट को आप चेंज कर दोगे तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इस लाइन में आपको कैपेसिटर, रेजिस्टर, इस तरह का कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिलता है, तो उस कंपोनेंट को आपको चेक करना है। और इसको चेक करने के लिए आप रिफरेंस पॉइंट यहाँ से ले सकते हो, ये जो कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया, ये पेयर में जो कंपोनेंट रखे होते हैं, कंपोनेंट के एक पॉइंट में आपको मल्टीमीटर रख के और इससे जो जुड़े हुए कंपोनेंट है उसको फाइंड करना है, और उसमें शॉर्टिंग या क्या प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो या तो सीपीयू से हो सकता है या तो डिस्प्ले से हो सकता है। डिस्प्ले के अंदर भी कनेक्टर होता है और बोर्ड में भी इस तरह का प्लास्टिक कनेक्टर रखा गया होता है डिस्प्ले जोड़ने के लिए। तो इसमें अगर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है तो के कारण भी इसमें इश्यू आ सकता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से क्लीन करके एक बार कनेक्ट करके देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके भी देखना है किस टाइम में क्या होता है, जो कनेक्शन है वो लूज हो जाने पर भी ग्राफिक का लाइनिंग का इश्यू हो सकता है। तो पहले आपको सबसे पहले क्लीन करना है, उसके बाद यहाँ जोड़ के उसको थोड़ा सा इसे दबा के चेक करना है जो कलर का इश्यू है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उतना से भी नहीं जा रहा है तो फिर आपको कंपोनेंट चेक करना है, तो अगर कंपोनेंट भी सही है तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू से होगा, तो सीपीयू को आपको रिवॉल्व करना होता है। तो इस तरह से हम डिस्प्ले में जो कलर का इश्यू है तो उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इनेबल सिग्नल का। तो इनेबल सिग्नल नहीं आने पर क्या होगा, ग्राफिक जो हमारा डिस्प्ले है वो, तो इनेबल सिग्नल अगर नहीं आ रहा है तो हमारा जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं होगा, और सीपीयू का कोई भी जो डेटा लाइन होता है या जो कलर लाइन होता है वो उसको डिस्प्ले में शो नहीं करेगा। तो ज़्यादा करके मानिए आपका डिस्प्ले ठीक है लेकिन आपका ग्राफिक उसमें नहीं दिख रहा है, मतलब इनेबल नहीं हो रहा है, नया डिस्प्ले डालने पर भी इनेबल नहीं हो रहा है, उसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है वो इनेबल लाइन में होता है। तो इस लाइन को आपको चेक करके इसका जो कंपोनेंट होता है उसमें शॉर्टिंग या ओपन होने पर इश्यू आ सकता है, तो इसको आपको, तो इस लाइन का जो कंपोनेंट है उसको आपको फाइंड करना है और फिर उसको सॉल्यूशन करना है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू लाइन से हो सकता है। रीसेट लाइन में प्रॉब्लम हो जाने पर क्या होगा, मतलब ग्राफिक आएगा लेकिन ग्राफिक आने के बाद हैंग हो जाना, जैसे ग्राफिक आना फिर आप मतलब दूसरा कोई ग्राफिक उसमें दिखाई नहीं देना, तो मतलब मोबाइल खुल रहा है लेकिन क्या हो, खुलने के बाद क्या हो, मोबाइल हैंग हो जा रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम है। तो एक सॉफ्टवेयर के कारण भी हो सकता है, अगर सॉफ्टवेयर डालने पर भी इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये जो रीसेट लाइन होता है तो उसके कारण भी वो इश्यू हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रीसेट लाइन कौन सा है वो फाइंड करके और उसको चेक करना है अच्छी तरह से, अगर ये रीसेट लाइन ठीक है तो फिर आपका जो इश्यू है वो सीपीयू से होगा। तो ये सभी करने से पहले आपको डिस्प्ले कनेक्टर को क्लीन करना है अच्छी तरह से, क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर में जंग लग जाने से या धूल जम जाने से भी इश्यू हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या है, इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, इसका जो जितने भी लाइन है, रीसेट लाइन, इनेबल लाइन और ग्राफिक या मीपी लाइन, सभी को एक एक करके चेक करना है, और सभी लाइन ठीक है तो फिर आपको सीपीयू में जाना है। तो डेटा लाइन खराब हो जाने से क्या होगा, स्क्रीन में कोई भी डेटा नहीं दिखाई देगा, डेटा नहीं दिखाई देने पर मतलब स्क्रीन में लाइट जलेगा, वाइट डिस्प्ले आएगा लेकिन डेटा कोई भी शो नहीं होगा, तो मतलब वाइट डिस्प्ले आना लेकिन स्क्रीन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखना। तो इसका अगर इश्यू आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो डेटा लाइन होता है उसको और ये जो क्लॉक लाइन होता है उसको चेक करना है, क्योंकि डेटा बिना क्लॉक के डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। तो दोनों लाइन में प्रॉब्लम आ जाने से आपका क्या होगा, मतलब डिस्प्ले सिर्फ व्हाइट दिखाना और उसमें कोई भी ग्राफिक नहीं आने, इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। तो किसी मोबाइल में इससे अलग यहाँ पे एक और आईसी भी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से, जिसमें क्या किया जाता है, ये सभी लाइन जो है
एचआर लाइन आप देख रहे हो, क्लॉक लाइन, डेटा लाइन, रिसेट और इनेबल, एचआर को कंबाइन करके यहाँ से दो लाइन निकाल के और डिस्प्ले के अंदर दिया जाता है। तो इसको भी हम ग्राफिक आईसी बोल सकते हैं, एक छोटा सा ग्राफिक। मतलब ग्राफिक तो मेन सीपीयू के अंदर होता है, लेकिन ग्राफिक का जो चार सिग्नल है उसको दो बना के और डिस्प्ले में देने के लिए एक छोटा सा आईसी यहाँ पे रखा गया होता है। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाने पर भी आपका क्या होगा, डिस्प्ले में वाइट डिस्प्ले आना और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आना, इस तरह का इश्यू हो सकता है। डिस्प्ले में ग्राफिक दिखाई दे रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में जो इसमें पावर सप्लाई होता है उसमें इश्यू हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पावर सप्लाई के लिए मैंने नीचे यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। जो एलसीडी लगे होते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो उस एलसीडी को चलाने के लिए इसमें वोल्टेज देना जरूरी होता है, और वोल्टेज हाई वोल्टेज जरूरी होता है, 15 से लेके 25 वोल्ट तक, या इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है मोबाइल के मॉडल के मुताबिक। तो इतना वोल्टेज, या मतलब मानिए आपको हाई वोल्टेज डिस्प्ले के अंदर देना जरूरी होता है। तो हाई वोल्टेज मोबाइल के अंदर, तो हमारा जो बैटरी होता है उसका वोल्टेज सिर्फ 3.7 से लेके मैक्सिमम 4.4 होता है। तो इसको इतना बनाना है, 15 से लेके 25 वोल्ट बनाना है। मतलब ब्राइटनेस बढ़ाने पर आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा और घटाने पर वोल्टेज भी कम होगा। तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया होता है, उसको हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन बोलते हैं। डिस्प्ले के अंदर जो लाइट होता है उसको जलाने के लिए, उसके लिए जो उसके लिए वोल्टेज बनाने के लिए एक आईसी डाल के और हाई वोल्टेज कंपोनेंट को डाल के एक सेक्शन बनाया गया होता है, तो उसको बोला जाता है डिस्प्ले लाइट सेक्शन। तो इसके लिए एक आईसी लगाया गया होता है, इसको बोला जाता है लाइट ड्राइवर आईसी। तो ये लाइट ड्राइवर आईसी क्या करता है, वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करने का काम करता है। तो इस आईसी को वोल्टेज कहाँ से मिलता है, आप देख सकते हो ये जो आईसी है इसको वोल्टेज मिल रहा है एक दूसरे आईसी से। तो इस आईसी को बोला जाता है पीएमआई आईसी या बीक्यू आईसी या डीसी टू डीसी आईसी भी बोला जाता है। तो ये जो आईसी है ये बैटरी से जो वोल्टेज मिलता है 3.7, तो इस वोल्टेज को डायरेक्ट यहाँ पे देने से भी होता, लेकिन अभी के मोबाइल में क्या किया जाता है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं देके पहले एक आईसी को दिया जाता है जिसको पीएमआई आईसी या बीक्यू, मतलब इस आईसी के ऊपर बीक्यू लिखा होता है, बीक्यू मतलब कंपनी का नाम है। तो इस आईसी का मेन फंक्शन क्या होता है, डीसी टू डीसी चेंज करना, मतलब यहाँ पे जो 3.7 वोल्ट डीसी आ रहा है तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से 3.7 वोल्ट डीसी ही आउट करेगा। तो इसीलिए इसको डीसी टू डीसी आईसी भी बोला जाता है। तो इस तरह से वोल्टेज डीसी लेके डीसी आउट करेगा, और इसके बाद एक क्या करेगा, इस वोल्टेज को पावर आईसी को भी देगा और जहां जहां भी इसको देना है वहां वहां पे सप्लाई करेगा यहां से। पुराने मोबाइल में डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से जो वोल्टेज जाता था, अब कहां से जाता है, पीएमआई से जाता है। तो इससे जो वोल्टेज निकलता है तो उसको वीपीएस वोल्टेज या फेज वोल्टेज बोला जाता है। तो ये जो वीपीएस वोल्टेज है आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉइल को दिया जा रहा है और यही वोल्टेज इस लाइट ड्राइवर आईसी को दिया जा रहा है। जितना ज़्यादा ये ऑन ऑफ करेगा उतना यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज निकलेगा। तो इस तरह से वोल्टेज बूस्टिंग करने के लिए एक कॉइल लगाया गया होता है, तो इसको बोला जाता है बूस्ट कॉइल। और यहाँ पे जो वोल्टेज मानी यहाँ पे 15 से लेके 25 वोल्ट यहाँ पे जो बनता है वो बन जाता है एसी वोल्टेज, क्योंकि ऑन ऑफ करने पर जो वोल्टेज बनेगा वो फ्रिक्वेंसी वाला वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि डीसी वोल्टेज इस तरह से होता है और जो एसी वोल्टेज होता है वो इस तरह से वोल्टेज होता है। ऑन ऑफ करके जो वोल्टेज बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये यहाँ पे डीसी आएगा लेकिन कॉइल के बाद जो वोल्टेज निकलेगा वो एसी बन जाएगा, और उस एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज करने के लिए एक डायड यहाँ पे रखा गया होता है। तो ये डायड क्या करता है, फिर इस वोल्टेज को डीसी बनाएगा और कॉइल फिर उस वोल्टेज को फिल्टर करेगा और फिर वो वोल्टेज क्या हो जाता है, एलसीडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये लाइट ड्राइवर जो आईसी है वो ऑलवेज काम नहीं करता है, ये तभी काम करेगा जब इसमें लाइट जरूरी होगा। तो इसमें लाइट कब जरूरी होता है, जब हम कोई काम करना चाहते हैं अपने मोबाइल में। जैसे मोबाइल का आप कोई बटन प्रेस करो, जैसे पावर स्विच आप प्रेस करोगे तो डिस्प्ले में लाइट जल जाता है, होम बटन प्रेस करो तो भी डिस्प्ले में लाइट जल जाएगा, आप फिंगरप्रिंट पे टच करो तो भी डिस्प्ले में लाइट जल जाएगा, नेटवर्क सेक्शन इनेबल हो, मतलब आपका फोन में कॉल आ रहा है कहीं से तो भी क्या हो गया, ये डिस्प्ले में लाइट जल जाएगा। वो तो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो पावर आईसी को आता है, और पावर आईसी इसको क्या करता है, इनेबल सिग्नल सेंड करता है, मतलब इसको ऑन करने के लिए कहता है, तो फिर ये ऑन होके वोल्टेज बना के डिस्प्ले को देता है। तो ये जो लाइट ड्राइवर आईसी है इसका
कंट्रोल पावर आईसी के साथ होता है, जितने भी चीज़ है सभी पावर आईसी से जुड़ा होता है। और पावर आईसी इस आईसी को इनेबल करता है, और इस आईसी इनेबल हो जाने के बाद ही इसमें लाइट आता है। अगर इसमें लाइट का इश्यू होता है तो क्या हो सकता है, मानिए एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, सभी ग्राउंड में चला जाएगा, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। डायोड खराब हो गया तो डीसी एसी को डीसी में चेंज नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। एक कॉइल डैमेज हो गया तो वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। ये आईसी खराब हो गया तो भी वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ज़्यादा करके इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, डायोड खराब हो सकता है, ये कैपेसिटर खराब हो सकता है, एक कॉइल खराब हो सकता है, और ये आईसी खराब हो सकता है अगर लाइट का इश्यू है तो। और समटाइम्स क्या हो सकता है, ये सब भी ठीक है अगर, तो फिर ये जो इनेबल सिग्नल आ रहा है पावर आईसी से इस लाइट आईसी को, तो उस इनेबल सिग्नल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो सैमसंग नोट 9 का है, लेकिन और जितने भी मोबाइल होते हैं सभी का सोल्यूशन आप इसी तरह से कर सकते हो। जितने भी पॉपुलर मोबाइल्स है उस सभी का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो है सभी को देखे, और वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया या नहीं आया इसका कमेंट भी किया करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो सेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ वो है सैमसंग नोट 9 का इस सिम कार्ड सेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिम कार्ड सेक्शन, एक सिम ट्रे का पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो। इस सिम ट्रे के अंदर आप देख रहे हो 3 पिन इधर है और 3 पिन इधर है। एक सिम कार्ड में 6 पिन होता है, तो यहाँ पे 2 सिम लगने वाला, इसीलिए यहाँ पे 6 पिन ऊपर और 6 पिन नीचे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो 6 पिन आप देख रहे हो तो सभी का अपना अपना काम होता है और सभी का अपना नाम भी होता है। तो सबसे पहले मैं इस पिन का बात करता हूँ, तो ये जो पिन है इसको VCC पिन बोला जाता है। VCC का मतलब होता है वोल्टेज पिन, मतलब इस पिन में वोल्टेज आता है जो यहाँ पे सिम कार्ड लगता है उसको ऑन करने का काम करता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इसमें हम सिम कार्ड डालेंगे तो सिम ऑन नहीं होगा और सिम हमारे मोबाइल में डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये है वोल्टेज पिन। यहाँ पे जो वोल्टेज आता है वो 1.8 वोल्ट होता है, तो इस पिन को बोला जाता है रीसेट पिन और इस पिन को बोला जाता है क्लॉक पिन। सभी का अलग अलग काम होता है, ये सभी का काम का डिटेल मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो उसके लिए आप मेरे सिम कार्ड वाले जो वीडियो है उसको देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सोल्यूशन पर फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप पिन देख रहे हो ये है डेटा पिन, इसमें सिम कार्ड का जो डेटा होता है वो मोबाइल रीड करता है इस पिन से। और इसके बाद ये 2 पिन जो आप देख रहे हो, जो सबसे लास्ट वाला पिन है वो माइनस है और ये जो बीच वाला पिन है वो यूजलेस पिन होता है। तो सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी दे सकते हो 6 पिन है, तो इसमें भी ये VCC हो गया, मानिए VCC 1 है तो इसको VCC 2 बोल सकते हो, Reset 1 है तो इसको Reset 2 बोल सकते हो, और ये Clock 1 है तो इसको आप Clock 2 बोल सकते हो, और ये Data 1 है तो इसको आप डेटा। उसमें सिम कार्ड से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ गया तो उसको आप कैसे रिपेयर करोगे, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, सिम कार्ड में फॉल्ट है या नहीं है इसको पहले आपको टेस्ट करके पता करना है। तो इसमें फॉल्ट है या नहीं है इसको टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम मल्टीमीटर से कोल्ड टेस्टिंग करेंगे पहले, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करके इसका जो फॉल्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका कोल्ड टेस्टिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का सिम कार्ड का सोल्यूशन के लिए जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ए वाला पिन को VCC बोला जाता है, ए वाला पिन को रीसेट बोला जाता है, और ए वाला पिन को क्लॉक पिन बोला जाता है, और ये हो गया आपका डेटा पिन, और ये हो गया आपका नॉट एप्लीकेबल पिन, यूजलेस पिन, और ये हो गया ग्राउंड पिन। सेम इसी प्रकार से ए मतलब सिम 1 इसको मान सकते हो आप, और इसको मान सकते हो सिम। सभी का वैल्यू कितना आना चाहिए, जैसे VCP जैसे आप इसको कोल्ड टेस्टिंग करोगे, कोल्ड टेस्टिंग करने के टाइम इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, सभी पिन का अलग अलग वैल्यू होता है, इसको कोल्ड टेस्टिंग करके आप इसमें फॉल्ट है या नहीं है वो पता कर सकते हो। तो कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में सेट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर है, तो इसको आपको कहाँ पे रखना है, ये डायोड मोड, इसको डायोड मोड बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को इस तरह से डायोड मोड में सेट कर लेना है। डायोड मोड में सेट कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 2 प्रोब है, तो ये है रेड प्रोब, इसको पॉजिटिव प्रोब भी बोला जाता है, और ये है ब्लैक प्रोब, इसको नेगेटिव प्रोब भी बोला जाता है। ये जो रेड वाला प्रोब आप देख रहे हो तो इसको आपको क्या करना है, माइनस में रखना है, कहीं पे भी आप ग्राउंड पॉइंट पे रख सकते हो। जैसे मेटल जो आप देख रहे हो सिम कार्ड का, ये मेटल भी ग्राउंड होता है, और बगल में जितने भी आप मेटल देखोगे
तो वो सब भी क्या होता है, ग्राउंड होता है। जो आईसी का कवर करने वाला शील्ड होता है वो सब भी ग्राउंड होता है। तो रेड को आप कहीं पे भी रख सकते हो ग्राउंड पॉइंट पे। रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख लेना है और चेक पिन विथ ब्लैक प्रोब ऑफ मल्टीमीटर, मतलब मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है, रेड को चलिए कहीं पे ग्राउंड पे आप रख लीजिए, और ये जो ब्लैक प्रोब है इससे आपको क्या करना है, टेस्ट करना है सभी पिन का। जैसे पिन हो गया तो इसमें आपको टेस्ट करना है, इसमें टेस्ट करना है, इसमें सभी पिन में आपको टच करके चेक करना है। सभी पिन में टच करके चेक करोगे तो किस पिन का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो इसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से चेक करने पर जो VCC पिन है, वो जो पहले एक नंबर वाला जो पिन है, चलिए इसको इसको एक नंबर मान लीजिए आप, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर और इसको चार नंबर मान लेते हैं। तो जो पहला एक नंबर वाला पिन है VCC, तो इसका रीडिंग कितना आना चाहिए, 0.348 इसका वैल्यू आना चाहिए। उसका वैल्यू अगर 0.348 वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। इसका वैल्यू मानिए 0.050 से लेकर 150 तक आ रहा है, तो ये लाइन क्या है, लीकेज है, या इसको आप हाफ शॉर्ट भी बोल सकते हो। तो हाफ शॉर्ट होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें लगे पैरेलल कंपोनेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, पैरेलल कंपोनेंट को फाइंड करके उसको या तो रिमूव करना है या तो उसको रिप्लेस करना है। लेकिन अगर इसमें बीप आ रहा है, मानिए प्लस पिन जो VCC वाला पिन है, तो इसमें अगर बीप का साउंड आ रहा है तो ये लाइन क्या होता है, फुल शॉर्ट। अगर ये फुल शॉर्ट है तो इसमें आप शॉर्ट किलर लगा के इसको रिपेयर कर सकते हो। शॉर्ट किलर लगाने के लिए, जैसे ये लाइन जो आप देख रहे हो ये वोल्टेज वाला लाइन है, तो इसमें शॉर्ट किलर लगाने पर इसमें कितना वोल्टेज आता है उससे कम वोल्टेज आना, जैसे इसमें आने वाला वोल्टेज है 1.8, तो शॉर्ट किलर लगाने के टाइम में आप इसमें कितना वोल्ट दे सकते हो, 1.5 वोल्ट दे सकते हो। 1.5 वोल्ट देके आप इसमें शॉर्ट किलर लगा सकते हो, तो जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा या जो आईसी शॉर्ट होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा वोल्ट देके इसमें शॉर्ट किलर लगाते हो तो ये लाइन आता है पावर आईसी से, और किसी किसी में CPU से भी आता है। तो क्या होगा, अगर आप 1.8 से ज़्यादा वोल्ट आप दे देते हो शॉर्ट किलर से, तो ये जो आईसी है वो आपका डैमेज होने का चांस रहेगा। तो आप शॉर्ट किलर लगाते के टाइम इसमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना है, क्योंकि इस लाइन में ज़्यादा कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कंपोनेंट देखने को मिलेगा। उसको आप मल्टीमीटर से फाइंड करके उसको निकाल के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो शॉर्ट किलर लगा सकते हो, लेकिन वोल्टेज आपको 1.5 से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो ये आईसी डैमेज होने का चांस रहेगा। पिन ज़्यादा करके 80% प्रॉब्लम आपको इसी पिन में देखने को मिलेगा। VCC पिन के बाद जो दूसरा पिन है उसको रीसेट पिन बोला जाता है। रीसेट पिन दो नंबर हो गया। रीसेट पिन का वैल्यू कितना आना चाहिए, सेम हम ऊपर का प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। तो रीसेट पिन का जो वैल्यू है वो आएगा आपका 0.336। अगर इतना वैल्यू आ रहा है तो रीसेट पिन बिल्कुल सही है। अगर इसका वैल्यू भी 0.50 से लेकर 1.50 तक आ रहा है तो ये भी हाफ शॉर्ट या लीकेज है। और अगर बीप दे रहा है या 0 से लेके 50 वैल्यू दे रहा है तो ये क्या है, आपका फुल शॉर्ट है। तो इसका सोल्यूशन भी आप सेम प्रोसेस से कर सकते हो। तीन नंबर का पिन जो देख रहे हो आप यहाँ पे क्लॉक पिन, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो क्लॉक पिन जो है उसका वैल्यू आना चाहिए 0.334, मतलब रीसेट पिन का वैल्यू 0.336, प्लस पिन का वैल्यू 0.348, और जो क्लॉक पिन है उसका वैल्यू आना चाहिए 0.334। तो इतना वैल्यू अगर आ रहा है तो ये लाइन बिल्कुल सही है, इसमें आपको आगे चेक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कम वैल्यू आ रहा है या बीप आ रहा है तो या तो हाफ शॉर्ट है या तो फुल शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में आपको इसका पैरेलल कंपोनेंट को चेक करके रिपेयर करना है। अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, नो वैल्यू आ रहा है, तो ये लाइन ओपन है। ओपन का मतलब हो जाता है या तो आपका जो सिम ट्रे है वो बोर्ड से छूटा हुआ है, या तो इसका जो सीरीज कंपोनेंट है या जो आईसी है उससे इसका कनेक्शन टूट गया है। तो उस कंडीशन में आपको सीरीज कंपोनेंट, पहले आपको सिम को रिशेड्यूल करना होगा, उसके बाद सीरीज कंपोनेंट चेक करके उसको जम्पर देना होगा। अगर सभी ठीक है तो फिर आपको आईसी को थोड़ा सा हीट करना होगा, या तो आईसी को आप रिवॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अब सिम ट्रे का जो लास्ट पिन है उसको हम चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा पिन, तो डेटा पिन का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो डेटा पिन का वैल्यू आना चाहिए 0.338। अगर इतना वैल्यू आ रहा है तो डेटा पिन बिल्कुल सही है, अगर कम वैल्यू आ रहा है तो हाफ शॉर्ट, और बीप अगर और बीप दे रहा है तो फुल शॉर्ट। तो इसका सोल्यूशन भी सेम इसी प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आप मोबाइल को ऑन करके इसमें अगर वोल्टेज चेक करोगे तो जो VDD या जो VCC पिन है उसमें आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मानिए कोई लाइन फॉल्टी मिला है, मानिए आपको जो डेटा लाइन है या क्लॉक लाइन है या रीसेट लाइन है या जो वोल्टेज लाइन है किसी में फॉल्ट मिला, तो आपको कंपोनेंट कहाँ पे ढूंढना है। तो कंपोनेंट ढूंढने का ये तीन जगह आप यहाँ पे देख सकते हो।
जो कंपोनेंट है उसका लोकेशन कहाँ पे हो सकता है, सिम कनेक्टर के बगल में हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो सिम कनेक्टर है इसी के अगल बगल में आप कंपोनेंट को ढूंढ सकते हो। दूसरा आप कहाँ ढूंढ सकते हो, पावर आईसी के करीब में, क्योंकि सिम इसको जो वोल्टेज मिलता है वो पावर आईसी से मिलता है, तो इसका कंपोनेंट पावर आईसी के बगल में भी हो सकता है। और थर्ड इसका जो लोकेशन है वो सीपीयू, क्योंकि जो डेटा पिन है, रीसेट पिन है और जो क्लॉक पिन है, डेटा पिन, रीसेट पिन और जो क्लॉक पिन है वो सभी सीपीयू से जुड़ा होता है। तो इसका कंपोनेंट सीपीयू के करीब में भी हो सकता है, पावर आईसी के करीब में भी हो सकता है, और ये जो सिम कनेक्टर है इसके अगल बगल भी हो सकते हैं। तीन जगह पे खोजने से आपको ये जो कंपोनेंट है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इस तरह से आप सैमसंग नोट 9 का जो सिम ट्रे का प्रॉब्लम है उसका फुल सॉल्यूशन कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट मोबाइल को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे आपके पास कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या सिंपल फ़ोन हो या आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो उसमें अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको किस तरह से आप बहुत ही आसानी से 1 से 2 मिनट के अंदर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, या तो शॉर्ट किस जगह पे वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, मोबाइल में शॉर्टिंग क्यों होता है वो पहले हम जान लेते हैं। मोबाइल में शॉर्टिंग होने का कारण क्या है, और वो शॉर्टिंग किस पोजीशन में हो सकता है, और उसको किस तरह से हम बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, इसका डिटेल पहले हम बुझेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आपको मैं शॉर्टिंग रिपेयर करने का वो भी लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर शॉर्टिंग को किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको शॉर्टिंग क्या है और उसको किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं किसी मोबाइल में शॉर्टिंग है या नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम वो इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट में शॉर्टिंग रिपेयर करने का बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये वीडियो देखने के बाद आप शॉर्टिंग को चुटकी में रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्टिंग रिपेयर करने के लिए आपको मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है, और आपका मोबाइल भी डैमेज नहीं होगा। मोबाइल का किस जगह पे शॉर्टिंग है, कोई किसी कंपोनेंट में शॉर्टिंग है या किसी आईसी में शॉर्टिंग है, जहाँ पे भी शॉर्टिंग है आप 1 मिनट के अंदर आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हो रिप्ट्रॉनिक्स, और मैं हूँ साहिल, और इस चैनल पे आप मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो, और मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स है वो फ्री में सीख सकते हो। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी स्टेप बाय स्टेप वीडियो है उसको ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जल्द से जल्द देने का ट्राई करूँगा, और आप जिस टॉपिक पर बोलेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा, और आपका जितने भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में इस चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है सभी को देखना है अच्छी तरह से, और उसके बाद ही कमेंट करना है। मतलब जिस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो है अगर आप उस टॉपिक पे मुझसे कमेंट करके पूछोगे तो मैं वो बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो आपको आपका पहला काम क्या है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखे, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोबाइल का शॉर्टिंग रिपेयर करने का सबसे आसान ट्रिक, जो 1 मिनट के अंदर हम किस तरह से अपने मोबाइल का शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मोबाइल का पावर फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, मतलब मोबाइल के बैटरी से, मतलब मोबाइल के बोर्ड के अंदर किस तरह से पावर का फ्लो होता है। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, तो आप घबराइए नहीं। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पिन मैंने बनाया हुआ है। तो सभी मोबाइल के अंदर 4 पिन नहीं होता है, किसी में 3 पिन होता है, किसी में 4 पिन होता है। तो 4 पिन में से जो 2 पिन होता है, 2 पिन जैसे यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में मैंने माइनस का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस है 1 पिन। तो प्लस और माइनस के थ्रू क्या होता है, वोल्टेज का सप्लाई होता है मोबाइल के बोर्ड के अंदर, और जो बाकी 2 पिन होता है वो क्या होता है, बैटरी का इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर को सेंड करने का काम करता है। तो इसको BSI और इसको BT बोला जाता है। इससे मतलब चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जाता है, और इससे क्या होता है, बैटरी का टेम्परेचर मोबाइल के अंदर सप्लाई होता है। तो आप देख सकते हो ये जो प्लस लाइन है उसमें मैंने वोल्टेज लिखा हुआ है 3.7 से लेके 4.4, और माइनस में मैंने लिखा हुआ है 0 वोल्ट। मतलब माइनस ऑलवेज 0 वोल्ट होता है, और जितने भी वोल्टेज होता है वो बैटरी के प्लस के अंदर होता है। तो प्लस से वोल्टेज मोबाइल के बोर्ड में सप्लाई होता है। आप मतलब अगर मल्टीमीटर का पिन ये दोनों में रखोगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, और माइनस और इसमें रखोगे तो भी कोई वोल्ट नहीं आएगा, और ये तीनों में से किसी भी में आप मल्टीमीटर का
प्रोब को रख लो तो कोई भी वोल्टेज शो नहीं करेगा। जब तक आपका पिन प्लस में नहीं आएगा तब तक आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसीलिए वोल्टेज ऑलवेज कहाँ होता है, प्लस में होता है, और माइनस क्या होता है, जीरो होता है। और बीएसआई में कुछ वैल्यू होने के कारण बीएसआई और प्लस में रखने के बाद भी आपको वोल्टेज शो करेगा, लेकिन प्लस और माइनस के बीच का जितना वोल्टेज होगा उससे कम होगा। जैसे मानिए प्लस और माइनस के बीच में रखने पर 3.7 वोल्टेज शो कर रहा है, तो प्लस और बीएसआई में रखोगे तो वोल्टेज क्या होगा, 3.5, 3.3 या 3.4, मतलब जो 3.7 है उससे कुछ कम शो करेगा। तो इस तरह से आप पिन भी फाइंड कर सकते हो। और बीटी का काम होता है बैटरी टेम्परेचर, मतलब ये वोल्टेज इस ये मेजर नहीं करता है, वोल्टेज से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर एक मतलब रजिस्टर जुड़ा होता है जिसको एनटीसी या पीटीसी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को कोफिशिएंट बोला जाता है, तो ये टेम्परेचर को मेजर करके मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसको सेंड करने का काम करता है। तो इसमें वोल्टेज शो नहीं करेगा, आपको वोल्टेज क्या करेगा, प्लस और बीएसआई में वोल्टेज शो कर सकता करेगा, और प्लस और माइनस के बीच में भी वोल्टेज शो करेगा। तो प्लस माइनस का वोल्टेज हाई होगा और प्लस और बीएसआई का वोल्टेज ऑलवेज लो होगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। और जो बैटरी का वोल्टेज है वो 3.7 से लेकर 4.4 तक होता है, मतलब बैटरी का अगर वोल्टेज बैटरी में अगर कम चार्ज है तो 3.7 रहेगा, और बैटरी का चार्ज अगर फुल है तो 4.4 रहेगा, लेकिन किसी में 4.2 भी होता है। अभी का जो मैक्सिमम बैटरी आ रहा है वो क्या होता है, 4.4 तक होता है, और उसका मिनिमम 3.85 भी होता है। तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम को यहाँ मेंशन किया है, और इसी के बीच में बैटरी, किसी भी बैटरी का जो टेम्परेचर है इसी के बीच के अंदर का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्लस लाइन है आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें लाइन में मैंने दो कंपोनेंट को इस तरह से जोड़ा हुआ है, एक है कैपेसिटर और दूसरा है डायोड। और ये दोनों कंपोनेंट क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली का मतलब होता है एक सिरा प्लस से जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा माइनस से जुड़ा हुआ, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। और इसमें कुछ और भी कंपोनेंट हो सकता है, फ्यूज, जैसे एक रजिस्टर होगा लो वैल्यू का जिसमें मतलब 0. समथिंग वैल्यू लिखा होगा, तो ये फ्यूज क्या काम करता है, और क्वाइल भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई कंपोनेंट जुड़ा है एक ही लाइन के अंदर तो उसको सीरीज बोला जाता है, और इस तरह से जो कंपोनेंट जुड़ा है उसको बोला जाता है पैरेलल। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल में जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है वो सीरीज कंपोनेंट के चलते कभी भी नहीं होता है, वो होता है पैरेलल कंपोनेंट के चलते। शॉर्टिंग का मतलब होता है प्लस और माइनस का जुड़ जाना। तो प्लस पिन आप यहाँ पे देख रहे हो और माइनस पिन यहाँ पे है, तो ये प्लस आके माइनस में तो जुड़ेगा नहीं, तो शॉर्टिंग कहाँ से होगा, शॉर्टिंग यहाँ से हो सकता है, एक कंपोनेंट मानिए खराब हो गया, डैमेज हो गया, मतलब इसका जो पिन है वो इस तरह से कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, माइनस यहाँ से जाके प्लस में टच हो जाएगा, और इस तरह से टच हो जाने के बाद बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वो सभी यहाँ से माइनस में चला जाएगा, और ये वोल्टेज इधर 0 वोल्ट, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज इस मोबाइल के बोर्ड के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं सप्लाई होगा। तो इस तरह से हमारा मोबाइल क्या होगा, डेड हो जाएगा शॉर्टिंग होने के बाद। तो चाहे कैपेसिटर खराब हो, चाहे डायोड खराब हो, या कोई भी पैरेलल में जुड़ा कंपोनेंट खराब हो, तो उसके कारण क्या हो जाता है, मोबाइल शॉर्ट हो जाता है। अगर एक कंपोनेंट खराब होगा तो मोबाइल शॉर्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन माइनस से नहीं है। तो ये लाइन शॉर्ट है या नहीं है उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का रेड प्रो को माइनस पे रख लेना है। माइनस का मतलब हो जाता है मेटल, कहीं पे भी आप मेटल पे रख सकते हो। जो रेड वाला वायर है, रेड वाला जो प्रोब है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, और जो ब्लैक वाला प्रोब है उससे आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर के अंदर इस तरह से चेक करना है, मतलब सभी पिन में आप टेस्ट कर सकते हो। आपको प्लस माइनस मालूम नहीं है फिर भी आप इसको टेस्ट करके पता कर सकते हो प्लस माइनस कौन सा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पे समझ ले। और जो ब्लैक प्रोब है उसे हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद अगर ये प्लस है तो इसके अंदर आपका जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 250 से ज़्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन 250 आना चाहिए। और इसमें अगर वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या इसमें बीप आ रहा है, बीप का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन शॉर्ट हो गया। और इसमें अगर नो वैल्यू आ रहा है, नो वैल्यू कुछ भी वैल्यू, नो वैल्यू का मतलब 1, मतलब मल्टीमीटर ऑलवेज क्या होता है, ऐसे आप रखोगे मल्टीमीटर को, ऐसे रखोगे तो मल्टीमीटर क्या करेगा, जैसे मैं बीप में रखता हूँ, बीप में रखने के बाद आप देख सकते हो 1 दिखाई दे रहा है, 1 का मतलब होता है नो वैल्यू। अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, या तो ये डायोड शॉर्ट हो गया, या तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, या तो शॉर्ट होने का मतलब होता है पैरेलली कंपोनेंट कोई शॉर्ट हो गया, या तो आईसी शॉर्ट हो गया। और नो वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, जो सीरीज में जोड़ा कंपोनेंट है, ये फ्यूज है या जो क्वाइल है, वो मतलब जल गया है। जलने के कारण क्या हो जाएगा, ये लाइन इस तरह से ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से आप मोबाइल शॉर्ट है या ओपन है, आप बैटरी कनेक्टर में के जो प्लस पिन है उसमें चेक करने के बाद आपको
पता चल जाएगा। यहाँ पे जो ये माइनस है वो बीप देगा, और जो बीएसआई है और जो बीटी है, मतलब बीएसआई कुछ वैल्यू शो करेगा, लेकिन बीएसआई का वैल्यू क्या होगा, इससे जो ज़्यादा होगा वैल्यू, जो प्लस जितना वैल्यू देगा उससे ज़्यादा वैल्यू बीएसआई शो करेगा, और बीटी कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। समटाइम्स बीएसआई से ज़्यादा वैल्यू भी शो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा करके इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आता है, और जो माइनस है वो बीप देगा। तो इस तरह से आप मतलब बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग है या नहीं है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो इसमें शॉर्टिंग होने का कारण क्या है वो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसमें शॉर्टिंग होने के कारण जैसे मेन सप्लाई ये दोनों खराब होने के कारण भी शॉर्ट हो सकता है, और उसके बाद ये बैटरी का जो सप्लाई है वो मतलब बोर्ड के अंदर बहुत सारी जगहों पर इस तरह से सप्लाई किया गया होता है तो मतलब मैंने लाइट आईसी यहाँ का जो वोल्टेज है वो लाइट आईसी में भी उतना ही वोल्टेज आ रहा है। लाइट आईसी के लाइन में भी आप देख सकते हो इस तरह से कैपेसिटर और कॉइल लगा हुआ है। यहाँ ये शॉर्ट हो जाता है तो फिर भी ये लाइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा माइनस, और यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई देगा। और ये मतलब दूसरा क्या होता है, वोल्टेज नेटवर्क आईसी को भी सप्लाई किया गया होता है, तो उस लाइन में भी अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो भी फिर ये बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग आ जाएगा। उसके बाद ये क्या होता है, ब्लूटूथ आईसी वाईफाई आईसी में भी ये वोल्टेज सप्लाई किया गया होता है डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज, तो इसमें भी शॉर्टिंग अगर आ जाता है तो भी आपका बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग आ जाएगा। उसके बाद ये पावर आईसी में शॉर्टिंग होने के कारण भी आपका बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग आ जाएगा। उसके बाद चार्जिंग आईसी शॉर्ट होने पर भी आपका क्या होगा, ये बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट हो जाएगा। चार्जिंग ये सब भी क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज इधर जा रहा होता है मतलब बोर्ड के अंदर सप्लाई होता है, लेकिन चार्जिंग आईसी से क्या होता है, चार्जिंग का जो वोल्टेज होता है वो आके मतलब बैटरी कनेक्टर में जाता है और जिससे बैटरी चार्ज होता है। तो ये इस लाइन में भी कुछ कंपोनेंट हो सकता है, या तो ये चार्जिंग आईसी भी आपका शॉर्टिंग हो सकता है। तो चार्जिंग आईसी शॉर्टिंग होने के बाद भी आपका क्या होगा, बैटरी कनेक्टर में आपका शॉर्टिंग हो जाएगा और मोबाइल डेड हो जाएगा। उसके बाद कुछ और भी सेक्शन हो सकता है इसी तरह से जो शॉर्टिंग कर सकता है। तो शॉर्टिंग आपका बैटरी कनेक्टर में आपको पता चला, लेकिन शॉर्टिंग होने का जो कारण है वो बैटरी कनेक्टर के करीब में ही नहीं होके कहीं भी हो सकता है, जहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है बैटरी का वहाँ से कहीं से भी आ सकता है शॉर्टिंग बैटरी कनेक्टर के अंदर। तो मतलब आप एक जगह पे शॉर्टिंग, मानिए यहाँ पे शॉर्टिंग हो गया, मानिए क्या ब्लूटूथ आईसी का जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो गया, और ये शॉर्ट होने के बाद आपका मतलब पूरे कंपोनेंट ये भी शॉर्ट देखेगा, ये भी ये सब भी जितने भी कंपोनेंट आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड सभी में आपका शॉर्टिंग हो जाएगा। तो इस सभी को निकाल के एक एक करके निकाल के रिपेयर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बहुत ही आसानी से किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो दोस्तों ये सभी था प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई होने का लाइन, और उसके बाद जो बाकी वोल्टेज है वो पावर आईसी बना के और जो सेक्शन है वो सभी को सप्लाई करता है, जैसे 1.2, 1.5, 3.3 इस तरह का डिफरेंट वोल्टेज होता है जो मोबाइल के अंदर जरूरी होता है। तो सभी का सप्लाई करने का काम किसका होता है, पावर आईसी का। जैसे हम यहाँ से जो वोल्टेज देते हैं पहले पावर आईसी में आता है, और पावर आईसी के बाद स्विच में चला जाता है, स्विच को हम ऑन करते हैं तो फिर पावर आईसी सभी वोल्टेज बना के डिफरेंट सेक्शन को प्रोसेसर से लेके EMMIC सी मेमोरी जितने भी होते हैं सभी को सप्लाई कर देता है। तो ये हो गया सेकेंडरी वोल्टेज और ये हो गया प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज में कहीं भी शॉर्टिंग हो जाता है तो हमारा जो बैटरी कनेक्टर है उसमें शॉर्टिंग हो जाएगा। तो दोस्तों एक रीज़न हो गया एक कंपोनेंट का शॉर्टिंग होना, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, आईसी डैमेज हो सकता है, जैसे नेटवर्क आईसी डैमेज हो गया, या लाइट आईसी डैमेज हो गया, या ब्लूटूथ वाईफाई आईसी डैमेज हो गया, या पावर आईसी डैमेज हो गया, या तो चार्जिंग आईसी डैमेज हो गया, या अगर कोई आईसी हो तो वो डैमेज हो जाता है तो उसके कारण भी शॉर्टिंग आ सकता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो लगभग इम्पॉसिबल के करीब होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ये जो लाइन है इस लाइन में हम वोल्टेज देंगे, इस लाइन में हमें क्या करना है, वोल्टेज देना है, मानिए हम यहाँ पे 2 वोल्ट, 2 से लेके 3 वोल्ट हम इसमें सप्लाई करेंगे। तो 2 से 3 वोल्ट हम डीसी मशीन से भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डीसी मशीन का जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर तक का होता है। तो मानिए एक कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, एक कंपोनेंट शॉर्ट है, तो हम यहाँ से जब वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कहीं पे भी नहीं जाके वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे आके और इस तरह से ये माइनस के अंदर चला जाएगा, दूसरे कहीं पे भी ये वोल्टेज सप्लाई नहीं होगा, मतलब जो लाइन शॉर्ट होगा उसी के अंदर ये वोल्टेज सप्लाई होगा। लेकिन मल्टीमीटर से चेक करने पर सभी शॉर्ट दिखाई रहा होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है उसको मालूम होता है कहाँ पे शॉर्टिंग है, वो मतलब जहाँ से हम वो जहाँ पे शॉर्टिंग है वहाँ से फ्लो होके वो माइनस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो वोल्टेज तो मानिए हम 2 या 3 डीसी मशीन से दे सकते हैं, और 4 वोल्टेज तक भी दे सकते हैं, 5 वोल्टेज देंगे तो हमारा मोबाइल के जो आईसी है उसको डैमेज करने का चांसेस रहता है। इसीलिए हम मतलब इसमें मैक्सिमम हम 4 वोल्ट तक सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें नहीं सप्लाई करना है, लेकिन जितना हो सके कम वोल्टेज सप्लाई करके हमें शॉर्ट को रिमूव करना है। तो ये रिमूव करने के लिए मतलब इसमें से जो वोल्टेज फ्लो होगा, मानिए हम 3 वोल्ट सप्लाई कर रहे थे, यहाँ से 3 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, लेकिन उसका स्पीड कितना है,
या तो हमारा मशीन 1 एम्पियर का होता है या तो 2 एम्पियर का होता है। तो अगर मानिए 2 एम्पियर का मशीन है तो मतलब 3 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर मतलब कितना 6 वाट का टोटल पावर इसमें से सप्लाई हो रहा है। और 6 वाट से क्या होगा, ये पावर मतलब ये जो कंपोनेंट है वो नहीं जलेगा, मतलब उसको टॉलरेट कर लेता है ये कंपोनेंट। तो इसीलिए हमें क्या होगा, ज़्यादा एम्पियर वाला वोल्टेज सप्लाई ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा एम्पियर के लिए हमें इस तरह का एक मशीन मार्केट में अभी आया है तो जिसको बोला जाता है शॉर्ट किलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है शॉर्ट किलर। और यहाँ पे आप देख रहे हो TS 20 एम्पियर, मतलब 20 एम्पियर तक ये सप्लाई कर सकता है। और इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है 5, तो हमें 5 वोल्ट नहीं लेना है, हमें लेना है 3 वोल्ट या मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 4 वोल्ट ले सकते हैं। उसके बाद मानिए हम 3 वोल्ट ले रहे हैं और इसका एम्पियर है 20, तो 3 इंटू 20 करेंगे तो इसका हो जाएगा 60 वाट। तो 60 वाट से कोई भी कंपोनेंट मोबाइल के अंदर का कोई भी कंपोनेंट हो उसको बर्न कर सकता है या उसको ये जला सकता है इतना पावर। तो अगर हम शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं तो ये कंपोनेंट मतलब विद इन 5 से लेकर 10 सेकेंड के अंदर एक कंपोनेंट क्या होगा, जल जाएगा और हमारा जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हो जाएगा, चाहे वो किसी भी लाइन में हो या नेटवर्क लाइन में के कंपोनेंट में हो या लाइट आईसी के कंपोनेंट में हो या पावर आईसी किसी भी लाइन के कंपोनेंट में हो। वो वोल्टेज को अपना लाइन मालूम, मतलब हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे शॉर्ट किलर से तो ऑटोमेटिक जिस लाइन में शॉर्टिंग है वहाँ पे फ्लो होगा और फ्लो होने के बाद मतलब शॉर्टिंग होने के कारण मैक्सिमम जितना मतलब ये फ्लो करा सकते हैं उतना यहाँ से चार्ज शॉर्ट किलर से फ्लो होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये कंपोनेंट में प्रॉब्लम नहीं होके आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ब्लूटूथ आईसी हुआ, पावर आईसी हुआ या कोई भी आईसी जो जिससे डायरेक्ट बैटरी से वोल्टेज मिल रहा है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो ये नहीं जलेगा। ये आईसी क्या होगा, हीट होगा, जो भी आईसी मतलब शॉर्टिंग है वो क्या होगा, हीट होगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट किलर का जो यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यूज़ करने पर अगर कंपोनेंट नहीं जल रहा है तो फिर हमें क्या करना है, डिफरेंट आईसी को चेक करना है यानी कि टच करके देखना है। टच करने पर जो आईसी हीट हो रहा है उसमें शॉर्टिंग होता है और वो आईसी को हम रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारा शॉर्टिंग हट जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था थ्योरेटिकल शॉर्ट किलर का किस तरह से काम करता है और मतलब शॉर्टिंग आने का कारण क्या होता है, कहाँ कहाँ से शॉर्टिंग मोबाइल के अंदर आ सकता है और शॉर्टिंग को रिपेयर करना इतना दिक्कत क्यों है, लेकिन उसको हम किस तरह से बहुत ही आसानी से शॉर्ट किलर यूज़ करके रिपेयर कर सकते हैं, इस प्रोसेस का एक्सप्लेन मैं आपको इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट किलर अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा एम्पियर वाला बैटरी आपको यूज़ करना है। जैसे मानिए आपके पास मान 5 एम्पियर का बैटरी है तो 2-5 एम्पियर का बैटरी को अभी आप पैरेलली जोड़ के शॉर्ट किलर बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2-5 वोल्ट का बैटरी आप मतलब 2-5 एम्पियर का बैटरी को इस तरह से ले ले, 5 एम्पियर का बैटरी को और मतलब इसका प्लस और माइनस, इसका भी प्लस और माइनस इस तरह से होता है, तो इसका माइनस माइनस को जोड़ दे और प्लस को प्लस से जोड़ दे और इसमें से एक लाइन ले ले और इसमें से एक लाइन ले ले। इस तरह से लेने के बाद आपका यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 3.7 से लेकर 4.4 तक रहेगा और इसका जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर हो जाएगा। तो 10 एम्पियर और इसको आप मतलब बैटरी कनेक्टर से जोड़ोगे, मतलब जो मोबाइल शॉर्ट है उससे जोड़ने के बाद आपका जो शॉर्टिंग है वो निकल जाएगा। अगर आईसी शॉर्ट है तो आईसी आपका गर्म होगा, लेकिन आपके पास अगर ये मशीन है तो मशीन का यूज़ भी आप कर सकते हो। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से हमें शॉर्टिंग को रिमूव करना है और किस तरह से हम शॉर्टिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास एक मोबाइल है, ये मोबाइल सेट है आप देख सकते हो। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ मतलब शॉर्टिंग टेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। मतलब एक मोबाइल आप देख सकते हो, इस तरह का मोबाइल का बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप ले सकते हो, चाहे वो आईफोन का बोर्ड हो तो आईफोन का बोर्ड भी आप, चाहे आईफोन का बोर्ड हो तो आईफोन का बोर्ड भी ले सकते हो या एंड्रॉइड फोन का बोर्ड भी ले सकते हो। कोई भी बोर्ड आप लेके उसमें शॉर्टिंग है या नहीं है उसका फाइंड आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको शॉर्टिंग करने के लिए प्रोसेस प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर को लेना है, इसको हमें बीप मोड में सेट कर लेना है, यहाँ पे वाईफाई का जैसा चिन्ह होता है उसमें आपको रख लेना है। आपको बैटरी कनेक्टर जैसे आप देख सकते हो, इसका बैटरी कनेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है वो बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है इस मोबाइल का। तो इसमें हमें टेस्ट करना है, इसमें टेस्ट करने के लिए इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेड वाला प्रोब है उसको माइनस में रख लेना है। मेटल का जो पॉइंट जितने भी पॉइंट होता है वो माइनस होता है, इसको कहीं पे भी आप माइनस में टच कर सकते हो। और ये ब्लैक प्रोब से क्या करना है, आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करने पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पिन आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर है, सभी पिन में एक एक करके टच करना है। ऊपर नीचे सेम पिन होता है, जैसे यहाँ ऊपर टच करने पर
यहाँ पे टच करने पर आप देख रहे हैं जो वैल्यू शो कर रहा है वो 528। उसके बाद लास्ट वाला पिन में माइनस मतलब बीप दे रहा है, माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस हो गया। अगर सही बोर्ड है तो प्लस पिन में क्या होना चाहिए 250 से ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए, लेकिन अगर बोर्ड शॉर्ट है तो उसमें क्या होगा बीप का साउंड देगा प्लस में भी। तो चलिए मैं आपको एक मोबाइल यहाँ पर दिखाता हूँ, एक नॉर्मल मोबाइल है। तो दोस्तों देख सकते हो एक बहुत ही सिंपल सेट है, और तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी कनेक्टर। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं एक बार क्या है इसमें। रेड को मैंने माइनस पे रख लिया है और ब्लैक से हमें टेस्ट करना है। तो ये पिन बीप दे रहा है, मतलब सभी पिन में बीप का साउंड आ रहा है। तो ये बोर्ड क्या है फुल्ली शॉर्ट है, आप देख सकते हो। तो ये शॉर्ट कहाँ पे है ऐसे देखने से तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका बोर्ड को मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो मोबाइल का बोर्ड को मैंने निकाल लिया है। तो इसका शॉर्ट हटाने के लिए अब इसको हम इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे शॉर्ट दिखाएगा। इसको टेस्ट करने पर बहुत सारी कंपोनेंट में आपको मतलब शॉर्टिंग शो करेगा, जैसे बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट होने मतलब बैटरी का प्लस माइनस तो जुड़ा नहीं होता है, और इसके बगल में जितने भी कंपोनेंट होगा आप देख रहे हो, यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन जहाँ जहाँ पे होगा सभी में शॉर्टिंग दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे जगहों पे इसमें शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो कहाँ पे शॉर्टिंग है एक एक करके हम सभी को निकाल के तो रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना है हमारा जो शॉर्ट किलर मशीन है उसको लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट किलर है, इसमें स्विच है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ऑफ हो गया, इसको मैंने ऑन किया और यहाँ पे आप देख सकते हो उल्टा दिख रहा होगा 1.5 वोल्ट है, तो इससे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको 2.5 वोल्टेज में सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें रेड और ब्लैक प्रूफ है, आप देख सकते हो इस तरह से एक लाल वाला तार है और एक काला वाला है। तो हमें क्या करना है ये जो ब्लैक वायर है ब्लैक प्रूफ उसको हमें कहीं पर माइनस पॉइंट में इस तरह से लगा देना है माइनस में। मैं सिम कनेक्टर के कवर में लगा दिया हूँ इसको, और ये जो प्लस प्रोब है उसे हमें बैटरी का प्लस में टच करना है। तो बैटरी का प्लस आपको कंफर्म होना चाहिए बैटरी लगा के, आप देख सकते हो बैटरी में जैसे इस बैटरी में आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस, मतलब इस तरह से रखने पर ये प्लस पिन हो गया और ये बीच वाला क्या हो गया माइनस पिन हो गया। तो अब हम क्या करना है प्लस में लगाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट किलर में भी आप देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे देख सकते हो इसको लगाने के बाद एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, एम्पियर 16 तक पहुँच गया है आप देख सकते हो, और इसमें से आप देख सकते हो तो दोस्तों मैंने इसको आपको इसको ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना है, बस 5 से लेकर 10 सेकेंड इस तरह से टच करना है, और जहाँ भी शॉर्टिंग होगा वहाँ से धुआं निकलेगा, लेकिन फिलहाल अभी कहीं पे भी धुआं नहीं आ रहा है, लेकिन एम्पियर तो ले रहा है तो धुआं नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ इसमें आईसी का शॉर्टिंग हो सकता है, आईसी का शॉर्टिंग है। तो किस आईसी का शॉर्टिंग है उसको फाइंड करने के लिए आप सभी आईसी को इस तरह से टच करके देख सकते हो, और ये आईसी बहुत ही गर्म है, जैसे अभी टच करने पर ये जो आईसी है ये वाला आईसी बहुत ही हीट हो रहा है, तो इस आईसी में शॉर्टिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए मैं इसको एक बार इसको टच करके और फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये आईसी मेरा हाथ को भी जला दिया, आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो रहा है आईसी। तो दोस्तों शॉर्ट किलर का काम क्या है, अगर आपका कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है तो कंपोनेंट को जला देगा, लेकिन अगर आईसी में शॉर्टिंग है तो फिर क्या करेगा उस आईसी को गर्म कर देगा। तो फिलहाल ये आईसी गर्म हो रहा है, तो आईसी में शॉर्टिंग है, और आईसी निकाल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। आईसी को मैं रिमूव करता हूँ और फिर देखते हैं मतलब इसका जो शॉर्टिंग है वो हटता है या नहीं हटता है। तो चलिए मैं
दोस्तों आप देख सकते हो इस आईसी को मैंने निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं फिर से इसका जो शॉर्टिंग है उसको एक बार मल्टीमीटर लगा के टेस्ट करता हूँ। तो मल्टीमीटर यूज़ करके इसको टेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस पे मैंने रख लिया इसको। और तो दोस्तों आप देख सकते हो मल्टीमीटर का जो वैल्यू है कितना रहा है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। चलिए आप देख रहे हो मल्टीमीटर में 380 के पास वैल्यू आ चुका है। आप देख सकते हो मतलब एक माइनस हो गया और ये BSI भी मतलब माइनस के साथ कनेक्टेड है और जो प्लस का वैल्यू है वो 3 समथिंग मतलब 300 से ज़्यादा आ चुका है। तो इसमें जो शॉर्टिंग था वो IC का शॉर्टिंग था। अगर हम इस IC को रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा IC लगा देते हैं, तो फिर हमारा जो मोबाइल का शॉर्टिंग है वो बिल्कुल हट जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मोबाइल का शॉर्टिंग को आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो। और जितने भी कंपोनेंट इसे पहले शॉर्ट दिखा रहा था, चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, सभी कंपोनेंट का वैल्यू अब प्रॉपर हो गया है। तो इससे पहले जो मतलब बैटरी कनेक्टर के पास जितने कंपोनेंट थे, तो दोस्तों इससे पहले जो कंपोनेंट्स था ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हो इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। मतलब IC के पास का जो कंपोनेंट था वो भी शॉर्ट दिखा रहा था, अभी आप देख सकते हो सभी में कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है। मतलब IC का शॉर्टिंग है तो IC गर्म होगा, और कंपोनेंट का शॉर्टिंग है तो कंपोनेंट जल के मतलब शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक शॉर्ट किलर का यूज़ करके या शॉर्ट किलर खुद से बना के मोबाइल का जो शॉर्टिंग है उसको एक मिनट के अंदर हम, एक मिनट भी नहीं लगेगा मतलब शॉर्टिंग कहाँ पे वो भी हमें पता चल गया। अगर कंपोनेंट में शॉर्टिंग होता तो उसको ये मतलब शॉर्ट किलर उसको जला देता और शॉर्टिंग ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता। तो शॉर्ट किलर बहुत ही यूजफुल टूल है, आपका टाइम सेविंग होगा और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। इसका प्राइस और इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ये खरीदना है तो वहाँ से खरीद भी सकते हो, या तो आप मतलब खुद ही घर पे मतलब दो बैटरी आप खरीद के 5 एम्पियर का दो बैटरी को खरीद के उसको पैरेलली कनेक्ट करके आप शॉर्ट किलर बना भी सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कोई भी लेसन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह का बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो सभी को देखने के लिए आपको लाइक शेयर करना होगा, और सब्सक्राइबर और व्यूज जितने भी ज़्यादा आएंगे उतने मुझे वीडियो बनाने में हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो इस कवर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेटालिक पॉइंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये जो सारी मेटालिक पॉइंट्स है वो सभी एंटीना के लिए काम करता है। मतलब कुछ एंटीना के लिए इस तरह का मेटल का स्ट्रिप बना दिया गया होता है, जहाँ पे एंटीना का जो टिप होता है वो टच होता है, जिससे मोबाइल का सिग्नल इन और आउट, और जो मोबाइल का वाईफाई सिग्नल होता है वो भी इन और आउट होने का काम करता है। साथ साथ ब्लूटूथ का भी सिग्नल इसे इन और आउट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल का एंटीना कौन सा है, और वाईफाई और जो ब्लूटूथ होता है उसका एंटीना कौन सा है। तो जो मोबाइल का एंटीना होता है वो सबसे बड़ा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पे है। तो ये जो एंटीना है वो मोबाइल का है, और मोबाइल का एंटीना यहाँ पे है, और इसका जो मेन बोर्ड है यहाँ पे है। तो यहाँ का जो एंटीना का सिग्नल है उसको मेन बोर्ड में सप्लाई करने के लिए आपको एक केबल यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक केबल इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो केबल है वो उसे RF केबल बोला जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक इस केबल का मेन काम होता है एंटीना का जो सिग्नल होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। तो इस मोबाइल का जो मेन एंटीना है वो यहाँ पे है, और इसका जो सिग्नल हमें मेन बोर्ड में सेंड करना है, तो इसीलिए इस तरह का केबल को यूज़ करके इसका जो सिग्नल है उसे मेन बोर्ड में सप्लाई कर दिया जा रहा है। एक केबल अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है बोर्ड से, या मतलब ये जो एंटीना है इसमें कार्बन जम जाता है, तो क्या होगा, हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने का समस्या हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इस एंटीना टिप को अच्छी तरह से क्लीन करना है, और इस केबल का कनेक्शन को चेक करना है, और जहाँ पे केबल लगता है उसको भी आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इसे एंटीना सॉकेट बोला जाता है। और साथ साथ आपको क्या करना है, इसका जो पीछे का एंटीना का जो पॉइंट है उसको भी क्लीन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एंटीना का दो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें थोड़ी सी कार्बन भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से ब्रश से क्लीन कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, एंटीना का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। और इतना करने से भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको एंटीना कनेक्टर के पास में आपको कुछ कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो
बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारी ये जितने भी कंपोनेंट्स है सभी एंटीना का जो सिग्नल है उसको फिल्टर करने के लिए रखा गया है। तो इस कंपोनेंट्स को चेक करके जो भी कंपोनेंट आपको फॉल्टी मिले उसको रिपेयर करके मोबाइल का जो नो नेटवर्क का सिग्नल होता है उसको आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट रखा गया है, इसमें कॉइल कैपेसिटर और रेजिस्टर को रखा गया है। तो ये जो सारी कंपोनेंट्स है इस एंटीना के साथ कनेक्टेड होता है, तो इस कंपोनेंट को चेक करना है। और इसमें अगर कोई कंपोनेंट आपको फॉल्टी मिलता है तो उसको रिप्लेस करके या जम्पर करके या मतलब रिमूव करके आप उसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो किस कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, किसको जम्पर करना है, किसको रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैपेसिटर रेजिस्टर और कॉइल से रिलेटेड जो मेल वीडियोज है उस सीरीज को देखना है, जिसमें मैंने आपको इसके टोटल फंक्शन से लेके टेस्टिंग से लेके और किस में हमें जम्पर करना है, किसको हमें निकालना है और किसको रिप्लेस करना है, इसका मैंने फुल आइडिया आपको उस वीडियो में दिया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों इस तरह से एक स्मार्टफोन का नो नेटवर्क का प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मानिए इसका जो वाईफाई या ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे भी दो टिप बनाया गया है और यहाँ पे भी एक टिप बनाया गया है। तो ऊपर में जो दो टिप आप देख रहे हो तो ये वाईफाई का टिप है और ये जो सिंगल टिप है वो ब्लूटूथ का टिप है। तो अगर वाईफाई में प्रॉब्लम आता है तो उसको भी आप सेम प्रोसेस से इसको क्लीन करके और इसके बगल के कंपोनेंट्स को चेक करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है तो उस टाइम में भी आप इसको चेक करके और इसका क्लीनिंग और ये जो कंपोनेंट है उसको रिपेयर करके आप इसका रिपेयरिंग कर सकते हो। तो वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल का नो नेटवर्क का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हो। रिसीविंग या ट्रांसमिटिंग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क्स में तीन आईसी यूज की गई होती है, एक एंटीना स्विच, एक आरएफ आईसी और एक पीएफओ। ये तीन तरह की आईसी यूज करके मोबाइल की नेटवर्क को ऑपरेट किया गया होता है। तीन तरह की आईसी में जैसे बड़े आईसी जो है कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका आरएफ आईसी जो आरएफ क्रिस्टल के साथ होता है ऑलवेज, और इसके बाद ये पीएफओ हो गया, ये हो गया एंटीना स्विच आईसी। तो ये तीन आईसी नेटवर्क सेक्शन में यूज की गई होती है। जब भी सिग्नल कोई सिग्नल आता है मान लिए पहले आएगा एंटीना में। एंटीना कहाँ है, एंटीना का पॉइंट ये है, एंटीना से जो भी सिग्नल आएगा पहले इस पॉइंट में टच होगा, इस पॉइंट से होते हुए इसमें जाएगा, इसको एंटीना सॉकेट या एक्सटर्नल एंटीना, ये जो राउंड मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाई है वो ए हो गया पॉइंट, एंटीना का पॉइंट ए हो गया, इसको एंटीना टिप बोला जाता है, इसको एंटीना सॉकेट या एक्सटर्नल एंटीना भी बोल सकते हैं। तो कोई भी सिग्नल आएगा बाहर से, जब भी सिग्नल आएगा तो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट में आने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद कहाँ चला जाएगा, इस एंटीना स्विच आईसी में चला जाएगा, इसमें ये जो सबसे छोटी आईसी है इसमें जाएगा। तो एंटीना स्विच आईसी क्या करेगा, ये पीएफओ आने का टाइम में पीएफओ काम नहीं करती है, आने के टाइम में बस यही एंटीना स्विच आईसी काम करेगी, और एंटीना स्विच आईसी उस सिग्नल को आरएफ आईसी में भेज देती है। इस तरह से हम बाहर का सिग्नल रिसीव करते हैं। लेकिन जब भी हम कॉल करते हैं तो सिग्नल जो सिग्नल आती है वो आरएफ आईसी में आती है, उसके बाद वो सिग्नल दो तरह की, जैसे हम कौन सा सिम यूज कर रहे हैं उसी तरह की सिग्नल हम आरएफ आईसी में आएगी, जैसे 800 टू 900 वाले या 1800 टू 1900 वाले, इसको जीएसएम सिग्नल, इसको डीसीएस सिग्नल बोलते हैं। तो जो भी सिग्नल हो वो पीएफओ में जाएगी, उसके बाद एंटीना स्विच होते हुए बाहर चली जाएगी। तो पीएफओ क्या करता है, बेसिकली जो ये मोबाइल का द्वारा पठाया गया हुआ सिग्नल छोटे कम पावर का होती है, तो उसको उसका पावर बढ़ाने का काम पीएफओ या पीए करती है, और पावर बढ़ाने के बाद एंटीना स्विच के जरिए वो एंटीना सॉकेट होते हुए बाहर जो मोबाइल की टावर जो हमारे नज़दीकी टावर होती है उस टावर तक चली जाती है। तो इस तरह से कोई भी मोबाइल में सिग्नल इन या आउट होने का काम करती है। पीएफओ है उसका फुल फॉर्म पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, और पीए का फुल फॉर्म पावर एम्पलीफायर, दोनों नाम एक ही आईसी का है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे पहले समझते हैं, जैसे मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन क्यों बनाई गई होती है, नेटवर्क सेक्शन क्या है, इसमें कितने किस तरह की आईसी यूज होती है, इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको नेटवर्क सेक्शन में यूज होने वाली जो आईसी होती है, तीन आईसी मेनली यूज होती है नेटवर्क सेक्शन में, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस आईसी की इन्फॉर्मेशन के बाद अब इस आईसी की वर्किंग क्या होती है, मोबाइल में जो है तीन नेटवर्क आईसी यूज होती है वो क्यों यूज होती है, उसका फंक्शन क्या है, क्यों तीन तरह की आईसी नेटवर्क सेक्शन में यूज की गई है, तो इसके बारे में हम इसमें इस वीडियो में जानकारी लेंगे। कोई भी वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी के मीडियम से वायरलेस ट्रांसमिशन होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा वॉइस
आप सुन पा रहे हैं, या जो अभी डिवाइस आप लैपटॉप मोबाइल जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो वो डिवाइस साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो आपके कानों तक जा रही है, तो इसके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, जो साउंड सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ये साउंड कैसे ट्रांसमिट हो रही है, साउंड को ट्रांसमिट करने का काम फ्रीक्वेंसी करती है। जैसे आप बोलते हैं तो जो आपकी आवाज़ निकलती है वो भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी उतनी पावरफुल नहीं होती है। ये फ्रीक्वेंसी आप देख नहीं पाएंगे इसको, आप ये एक तरह की वाइब्रेशन होती है जिसको आप उतना ज़्यादा महसूस भी नहीं कर सकते हैं। जब आप उसे रिसीव करेंगे तभी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी के मीडियम से हमारे मोबाइल की जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होती है, या जितने भी वायरलेस सिग्नल है वो इसी तरह की फ्रीक्वेंसी के मीडियम के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी, अब कितना फ्रीक्वेंसी रखे मोबाइल के लिए ये भी एक ज़रूरी टर्म हो जाता है। जैसे अब सभी चीज़ का फ्रीक्वेंसी प्री डिफाइंड होता है, जैसे अब वर्ल्ड वाइड मोबाइल के लिए एक तरह की फ्रीक्वेंसी, और टीवी के लिए अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, इंटरनेट के लिए अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, इस तरह की हर एक चीज़ के लिए, एफएम के लिए फ्रीक्वेंसी, हर एक तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बैंड सेपरेट किया गया हुआ है। तो मोबाइल के लिए जो बैंड यूज होती है वो है एशियन कंट्री में 800 to 900 MHz, और दूसरा बैंड, दो बैंड है मोबाइल के लिए, एक 800 to 900 MHz और दूसरा है 1800 to 1900 MHz। तो ये दोनों चैनल में से कोई चैनल कंपनियां यूज कर रही होती है। या बेसिकली इसको कैरियर बोला जाता है, जो आपकी आवाज़ जो मोबाइल से जो बाहर निकलती है आपकी आवाज़, तो आपका आवाज़ को कैरी करने का काम ये करती है। तो मोबाइल के लिए फिक्स है 800 to 900 MHz और 1800 to 1900, दोनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी हर एक मोबाइल कंपनियां यूज करती है, लेकिन बाहर की देशों में 2500 to 2600 MHz इस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो इसीलिए अगर डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में, इस फ्रीक्वेंसी में काम करने में वाली मोबाइल को आप इसमें यूज करेंगे तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको नेटवर्क अनलॉक हो जाता है। जैसे बाहर में चल रही मोबाइल आपको एशियन कंट्री में लाने पर काम नहीं करने का प्रॉब्लम भी दिखाता है। तो इसका मेन रीजन यही है कि उसका दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता। तो इस चैनल जो 800 to 900 चैनल है उसको GSM बैंड बोला जाता है, और जो 1800 to 1900 MHz बैंड है उसको DCS बैंड बोला जाता है। तो ये दो बैंड हो गई, तो कोई भी सिग्नल आएगा तो यही दो बैंड की हेल्प से इन या आउट होगा। तो बेसिकली सिग्नल दो टाइप की होती है, एक आने वाली सिग्नल और एक जाने वाली सिग्नल। जैसे किसी ने आपको कॉल किया तो आपकी मोबाइल में जो सिग्नल आएगी तो वो इनकमिंग सिग्नल होगी, और उस सिग्नल को रिसीविंग सिग्नल भी बोला जाता है, और रिसीविंग को शॉर्टकट में RX आप बोल सकते हैं। जैसे जो सिग्नल कहीं बाहर से आपकी डिवाइस में आ रही है तो उसको आप रिसीविंग या RX सिग्नल कह सकते हैं। अगर रिसीविंग सिग्नल इस बैंड से कोई सिग्नल आ रही है तो उसको RXG बोला जाएगा, जैसे रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम 800 to 900 MHz। लेकिन कोई सिग्नल इस बैंड से आ रही है, 1800 वाले बैंड से आ रही है, तो उसको RXD बोला जाएगा, जैसे 1800 to 1900 से आने वाले सिग्नल को RXD बोला जाएगा। तो इस तरह से दो टाइप की सिग्नल हो गए, रिसीविंग RXG और रिसीविंग RXD। इसी तरह जो हमारे मोबाइल से निकलती है जो सिग्नल उसको आउटगोइंग सिग्नल बोला जाता है, और उस सिग्नल को आप ट्रांसमिटिंग और या शॉर्टकट में आप TXP को डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्नल फ्रॉम 800 to 900, जैसे हम मान लीजिए कोई इस बैंड वाले सिम यूज कर रहे हैं तो उससे जो सिग्नल होगी तो उसको TXG बोला जाएगा, लेकिन अगर हम इस वाले सिम यूज कर रहे हैं, ये सिग्नल में काम करने वाले सिम यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे मोबाइल से सिग्नल आउट होगी उसको TXD बोला जाएगा। तो इस तरह से रिसीविंग सिग्नल भी दो तरह की हो गई और ट्रांसमिटिंग सिग्नल भी दो तरह की हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मोबाइल नेटवर्क सेक्शन का डायग्राम है, और ये बहुत ही छोटी सी पार्ट है नेटवर्क सेक्शन का, ये फुल पार्ट तो नहीं है। तो मैं आपका जो मोबाइल नेटवर्क सेक्शन है उसका जो पार्ट का डिस्क्रिप्शन है वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मतलब मोबाइल का FEM IC से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों मोबाइल के बोर्ड में बहुत सारे IC लगा होता है, जिसमें से
मोबाइल का जो नेटवर्क सेशन है उसमें तीन आईसी को यूज किया जाता है, तो उसमें से एक आईसी का नाम होता है एंटीना स्विच और दूसरा आईसी को बोला जाता है पीएफओ या उसी का दूसरा नाम भी है पीए। तो पीएफओ का मतलब होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों मोबाइल का जो नेटवर्क सेशन का सबसे मेन आईसी होता है उसे आरएफआईसी बोला जाता है। तो दोस्तों एक मोबाइल के बोर्ड में जो आरएफआईसी होता है वो सिग्नल को इन और आउट करने का काम करता है, यानी कि नेटवर्क प्रोसेसिंग का सबसे जो मेन आईसी होता है उसे आरएफआईसी बोला जाता है। कोई भी सिग्नल जो बाहर से मोबाइल के अंदर आता है तो डायरेक्ट आरएफआईसी के अंदर नहीं जा पाता है, उसको पहले दो और आईसीओ के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों उस आईसी का नाम है एंटीना स्विच और पीएफओ। तो समटाइम्स क्या होता है वो दोनों आईसी को कंबाइन करके एक ही आईसी में बना दिया गया होता है, तो उस आईसी को बोला जाता है एफईएम। तो आप यहाँ पे जो आईसी देख रहे हो वो एफईएम है। एफईएम का मतलब होता है फ्रंट इन मॉडल। आप यहाँ नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है फ्रंट इन मॉडल। तो फ्रंट इन मॉडल के अंदर दो आईसी को कंबाइन करके रखा गया होता है जिसका नाम है एंटीना स्विच, इस तरह से एक एंटीना स्विच, और जो दूसरा नाम है वो है पीए। तो पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों दोनों आईसी को इसी में कंबाइन करके रखा गया है, तो इसीलिए इस आईसी को एफईएम बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो एफईएम है वो एंटीना स्विच का भी काम कर रहा है और पीए या पीएफओ का भी काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं ये जो एफईएम है वो क्यों रखा गया है और इसका ऑपरेशन क्या है, मतलब इससे सिग्नल किस तरह से इन होता है और किस तरह से सिग्नल आउट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बाहर से आने वाला सिग्नल है वो हमारे मोबाइल का एंटीना में आता है, मतलब मोबाइल हर एक मोबाइल के अंदर एंटीना लगाया गया होता है। एंटीना का तो दोस्तों हर एक मोबाइल के अंदर एक बड़ा सा एंटीना लगाया गया होता है जो मोबाइल के लिए होता है और दो छोटे एंटीना भी होता है जो वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए होता है। तो जो सबसे बड़ा एंटीना होता है वो मोबाइल का होता है, क्योंकि तो दोस्तों जो मोबाइल का एंटीना का रेंज होता है वो बहुत बड़ा रखा गया होता है, क्योंकि मोबाइल और जो नज़दीकी टावर होता है उसका डिस्टेंस कुछ किलोमीटर तक का होता है, इसीलिए जो सबसे बड़ा एंटीना होता है वो मोबाइल के लिए रखा गया होता है। और जो बाहर से आने वाला सिग्नल है वो पहले इसी एंटीना में आता है और दोस्तों उस सिग्नल को जो एंटीना है वो हमारे एफईएम आईसी के अंदर सेंड कर देता है। तो एफईएम आईसी उस सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जो रिसीविंग सिग्नल है उससे आरएक्स से डिनोट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जीएसएम आरएक्स लिखा हुआ है, तो आरएक्स का मतलब हो सकता है रिसीविंग सिग्नल। तो दोस्तों जो सिग्नल बाहर से एंटीना से आता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ आवाज नहीं होता है, या जो मैसेज कंटेंट है वो सिर्फ मैसेज नहीं होता है, मैसेज को कैरी करने वाला एक अदर फ्रीक्वेंसी भी होता है जिसका रेंज होता है 900 या तो 1800। तो दोस्तों जो कॉलर है जिसने हमें कॉल किया है तो वो कौन सा सिम यूज कर रहा है, मतलब उसका जो सिम है वो 900 फ्रीक्वेंसी में चलने वाला है या 1800 में चलने वाला है। तो उसका सिम अगर 900 बैंड में काम करने वाला सिम है तो वो जो फोन करेगा तो उसका जो साउंड या जो भी मैसेज होगा तो उसको 900 वाला फ्रीक्वेंसी उसको कैरी करके अंदर लाएगा। और दोस्तों अगर 1800 फ्रीक्वेंसी वाले कोई कॉलर हमें फोन कर रहा है तो उसके जो उसका जो मैसेज या मतलब साउंड है वो उसके साथ 1800 का फ्रीक्वेंसी ऐड होकर हमारे मोबाइल में इंटर करेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो इंटर करता है वो 900 भी इंटर करता है और 1800 भी इंटर करता है, लेकिन यहाँ इंटर कर जाने के बाद इससे जो आउट होना है मतलब जो आरएफआईसी को जाना है तो उसे क्या करता है एफएमआईसी उसको सेपरेट कर देता है। मतलब 900 फ्रीक्वेंसी वाला अगर मैसेज है तो उसको इस रास्ते से आरएफआईसी को सेंड करेगा, और अगर वो मैसेज में 1800 का फ्रीक्वेंसी ऐड है तो उसको इस रास्ते से मतलब आरएफआईसी को सेंड करेगा। तो दोस्तों जो एफईएम है उसका जो मेन पर्पस है वो रिसीविंग के वक्त क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो 900 में है तो एक रास्ते से और 1800 में है तो दूसरे रास्ते से आरएफआईसी को सेंड करता है। इस तरह से जो सिग्नल आरएफआईसी को जाता है तो आरएफआईसी को जाने से पहले उसे फिल्टर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिल्टर लगाया गया है, और फिल्टर से पहले आप देख सकते हो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी लगाया गया है। तो दोस्तों इस कंपोनेंट के द्वारा सिग्नल को फिल्टर किया जाता है, फिर एक छोटा सा फिल्टर भी लगाया जाता है जिसके अंदर कैपेसिटर कॉइल और रेजिस्टर होता है। तो आप देख सकते हो 900 के लिए एक अलग फिल्टर और 1800 के लिए एक अलग फिल्टर है। और दोस्तों इस तरह से जो 900 और 1800 का सिग्नल है उसे फिल्टर कर लेने के बाद आरएफआईसी को दिया जाता है, और दोस्तों आरएफआईसी प्योर सिग्नल को रिसीव करता है और उसको फिर से प्रोसेसिंग करके उस सिग्नल के अंदर से जो साउंड का कंटेंट होता है या जो मैसेज होता है उसको निकाल के डिस्प्ले या जहां भी जाना है मोबाइल का जिस सेक्शन में सेंड करना है उस सेक्शन में सेंड करने का काम आरएफआईसी करता है।
तो दोस्तों इस तरह से जो बाहर से आने वाला सिग्नल है RFIC में पहुंचता है और फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर मानिए फॉल्ट आ जाता है, मानिए एंटीना में फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा कि बाहर का जो सिग्नल है वो FMIC तक नहीं आ पाएगा और इस तरह से हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क दिखता है वो नेटवर्क दिखना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मोबाइल में कभी भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो RF एंटीना को चेक करना है, मतलब एंटीना को क्लीन करना है और एंटीना के टिप को अच्छी तरह से क्लीन करना है और उसका जो कनेक्शन है प्रॉपर है या नहीं है वो भी चेक करना है। और दोस्तों आप देख सकते हो एंटीना और जो FEM है उसके बीच में इस तरह से कुछ कंपोनेंट भी लगा हुआ है, तो आपको एंटीना से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसको भी चेक करना है, उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको सीरीज पैरेलल चेक करके उसको अच्छी तरह से रिपेयर करना है। और इतना रिपेयर करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो FEM का फॉल्ट होता है, तो दोस्तों FEM को आपको बदलना नहीं है, क्योंकि FEM फॉल्ट होने का मतलब होता है अगर FEM को वोल्टेज अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है तो भी FEM में फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये FEM का सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है, इसका पिन डायग्राम नहीं है। इसका पिन डायग्राम मैं आपको अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें मतलब FEM IC को काम करने के लिए कौन सा सिग्नल इसको ज़रूरी होता है और कितने वोल्टेज इसको ज़रूरी होता है, तो सभी इन्फॉर्मेशन मैं किसी अगले वीडियो में दूंगा। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें वो सभी कंपोनेंट को चेक करके उसको रिपेयर करना है और उसके बाद दोस्तों हम जो फिल्टर सेक्शन है या FEM के बाद का जो फिल्टर सेक्शन उसको चेक करना है, मतलब FEM के अगल बगल में जितने भी कंपोनेंट है सभी को आपको चेक करना है और सभी को चेक करके जिस कंपोनेंट में फॉल्ट है उसको आपको रिपेयर करना है। और कंपोनेंट में अगर फॉल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो फिल्टर में फॉल्ट हो सकता है, तो कंपोनेंट में अगर फॉल्ट नहीं है तो इस फिल्टर में फॉल्ट हो सकता है, तो आपको फिल्टर को बदलना है। और फिल्टर और दोस्तों फिल्टर भी सही है तो फिर RFIC से जुड़ी कोई फॉल्ट हो सकता है, तो RFIC का पिन डायग्राम देख के उसका भी ट्रबल शूट करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड जो फॉल्ट है उसका डायग्नोस कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो FEM IC का पिन डिटेल है जिसमें मैं आपको FEM IC का जो ट्रांसमिटिंग का काम होता है उसका एग्जाम्पल दे के मैं आपको इसका वर्किंग और इसका जो टोटल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर हम सिग्नल मोबाइल से बाहर सेंड करते हैं, मानिए हम किसी को कॉल कर रहे हैं, तो हमारे सिग्नल किस तरह से जाएगा और उस टाइम पे जो FEM IC है वो किस तरह से काम करेगा, तो इसकी एग्जांपल लेकर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो दोस्तों कोई भी IC को काम करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरत होता है वो होता है वोल्टेज। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इसका जो पिन नंबर 18, 7 और 27 थ्री पिन्स, मतलब ये जो IC है इसका बहुत सारे पिन है, आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब 30 लास्ट पिन इसका 30 है। तो दोस्तों इस IC का जो पिन है उसे मैंने इस डायग्राम में सीरियली अरेंज नहीं किया है, क्योंकि मतलब जो पिन का सेम काम है उस तरह की पिन को एक जगह पे मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो FEM IC है उसका पिन नंबर 18, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 27, मतलब तीनों पिन का नाम अलग अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हो VBAT LB VBAT SB और VBAT PC, लेकिन इसमें जो आने वाला वोल्टेज है वो सेम है, मतलब 3.7 वोल्ट इसमें आ रहा है और जो वोल्टेज आ रहा है वो बैटरी से आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो VBAT लिखा हुआ है, तो VBAT का मतलब होता है बैटरी से आने वाला वोल्टेज, और क्योंकि 3.7 वोल्टेज बैटरी सप्लाई करता है इसीलिए जहाँ पे भी 3.7 जाता है वो बैटरी से ही जाता है। तो बैटरी से जो आने वाला वोल्टेज है उस लाइन में आप देख सकते हो इस तरह से चार कैपेसिटर को लगाया गया है। तो दोस्तों अगर मानिए इस चारों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है या कोई एक कैपेसिटर फॉल्ट हो जाता है तो जो हमारा मोबाइल होगा वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के साथ ही जो बैटरी का प्लस और माइनस पिन है वो भी शॉर्ट हो जाएगा और मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन है उसमें यूज़ होने वाला जो FEM IC है तो उसको बैटरी से 3.7 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है इस तरह से, और उस लाइन में इस तरह से कैपेसिटर को लगाया जाता है, और इस चारों कैपेसिटर में से अगर कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो बैटरी में भी शॉर्टिंग आ जाएगा और हमारा जो मोबाइल है वो डेड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हमारा नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट आने से भी मोबाइल डेड होने का चांसेस होता है, इसका प्रूफ आप यहां से ले सकते हो। तो दोस्तों ये था वन टाइप ऑफ वोल्टेज जो हम FEM IC को देते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी वोल्टेज FEM IC को दिया जाता है, जो वोल्टेज आप यहां पे देख सकते हो जिसका नाम है VR4, मतलब रेगुलेटेड वोल्टेज। तो रेगुलेटेड वोल्टेज आता है फ्रॉम UEM, आप यहां पे देख सकते हो, तो UEM का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल यानी कि पावर IC, और पावर IC के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे ऑडियो IC, सीम IC और लॉजिक का कंट्रोलिंग भी इसमें लगा होता है, तो इसीलिए पावर IC को
हम UEM IC भी बोलते हैं, जिसका फुल नेम होता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल। तो दोस्तों पावर आईसी FEM को कितना वोल्ट सप्लाई कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, 2.8 वोल्ट। तो दोस्तों इस FEM IC को काम करने के लिए 3.7 वोल्ट के साथ साथ इसको 2.8 वोल्ट भी देना जरूरी है जो पावर आईसी सप्लाई करता है। तो जहाँ भी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है उस लाइन में इस तरह से कैपेसिटर डालना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप देख सकते हो इस लाइन में भी दो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे मानिए शॉर्टिंग हो जाता है तो क्या होगा, इसमें शॉर्टिंग होने से मोबाइल डेड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग होने से क्या हो सकता है? तो दोस्तों इस लाइन में अगर शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल वाइब्रेट होके ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोबाइल को ऑन करने वाला जो आईसी है वो पावर आईसी है। तो पावर आईसी ऑन होगा लेकिन मतलब पावर आईसी क्या जो आगे का सेक्शन है उसमें शॉर्टिंग पावर आईसी को मालूम होगा, तो पावर आईसी फिर क्या करेगा, वोल्टेज को ऑफ कर देगा, यानी कि मोबाइल का जो ऑन का प्रोसेस है उसे बंद कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से जो VR लाइन है, रेगुलेटेड वोल्टेज का लाइन है, 2.8 वोल्टेज का जो लाइन है, तो दोस्तों इस लाइन में अगर शॉर्टिंग है तो जब आप मोबाइल को ऑन करोगे तो मोबाइल वाइब्रेट होगा, यानी कि ऑन होने के लिए ट्राई करेगा लेकिन पूरी तरह से ऑन नहीं हो पाएगा, मतलब वाइब्रेट होकर फिर मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है किसी मोबाइल में तो आप क्या कर सकती हो, जो FEM IC है उसका जो रेगुलेटेड लाइन है तो उसकी लाइन की कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो 3.7 वोल्ट का लाइन, तो ये हाई वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है, तो इसमें जो लगने वाला कैपेसिटर है उसका साइज बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर मोबाइल डेड हो रहा है, मोबाइल मतलब शॉर्टिंग आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल का जो FEM IC है उसके बगल में जाके जो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हैं तो उसको पहले आपको चेक करना है, क्योंकि जो बड़े कैपेसिटर होते हैं वो हाई वोल्टेज के होते हैं और जो छोटे कैपेसिटर होते हैं वो लो वोल्टेज के होते हैं। तो बहुत ही छोटे कैपेसिटर को आपको चेक नहीं करना है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है उसको चेक करना है। और अगर मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ऑन करने पर मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मीडियम साइज का जो कैपेसिटर है उससे चेक करना है। तो इस तरह से आप एक बड़े कैपेसिटर जो हाई वोल्टेज लाइन में लगता है और मीडियम कैपेसिटर जो मीडियम वोल्टेज में लाइन में लगता है तो उसको चेक करके मतलब मोबाइल का जो डेड प्रॉब्लम है उसको रिपेयर कर सकते हो। और मोबाइल में अगर हाफ शॉर्टिंग, इस तरह का शॉर्टिंग को हाफ शॉर्टिंग भी बोला जाता है, तो हाफ शॉर्टिंग होने पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मोबाइल ऑन होकर बैटरी का ड्रेनेज ज़्यादा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मोबाइल वाइब्रेट होकर ऑन नहीं होने का भी हो सकता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम में आपको ये VR लाइन का जो मीडियम टाइप के कैपेसिटर होते हैं FEM IC के अगल बगल में उसको चेक करना है और उसको रिपेयर। तो दोस्तों ये जो लाइन है वो लाइन मतलब RFIC जो FEM IC है उसको इनेबल करने के लिए देता है, मतलब इसको जब भी इसको इनेबल करना है RFIC को, FEM IC को कोई सिग्नल सेंड करना है तो पहले इस IC को इनेबल करना जरूरी होता है, मतलब इसको पहले प्री इन्फॉर्मेशन देना होता है, मतलब हम अब सिग्नल को सेंड करने वाला है, मतलब तुम काम के लिए रेडी हो जाओ। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो RFIC FEM को इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके लिए ये 3 पिन का यूज किया जाता है दोस्तों। तो चलिए अब बाकी पिनों के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बाकी पिनों में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पिन नंबर 25 और पिन नंबर 26 दो पिन है। तो इसमें आप देख रहे हो UPP लिखा हुआ है, तो UPP से एक सिग्नल आने वाला है और UPP का मतलब हो जाता है दोस्तों CPU। तो दोस्तों जब भी हम कॉल डायल करते हैं तो पहले इस IC को नहीं मालूम होता है, पहले CPU को मालूम होता है सबसे पहले, और CPU को मालूम हो जाने के बाद मोबाइल का जिस जिस सेक्शन को इनेबल करना है उस सभी को इनेबल करने का काम CPU कर देता है। तो मतलब कॉलिंग के दौरान इस IC को भी इनेबल करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो IC है वो मतलब फोन का जो सिग्नल है उसको बाहर सेंड करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए इस IC को इनेबल करने के लिए CPU ही इसको सिग्नल सेंड कर रहा होता है। तो दोस्तों इस लाइन में भी आप देख सकते हो एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो रजिस्टर जो है वो सीरीज में है और जो कैपेसिटर है वो पैरेलल है, तो इसका जो साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, मतलब सबसे जो छोटा रजिस्टर होगा इस लाइन में होगा, क्योंकि सिग्नल वाले लाइन में उतने बड़ा कंपोनेंट का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों CPU के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक और सिग्नल FEM को आ रहा है फ्रॉम UEM, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल यानी कि पावर IC। जो UEM IC है वो भी एक लॉजिक IC के रूप में काम करता है, तो इसको ऑन करने के लिए CPU के साथ साथ इस सिग्नल का भी जरूरत है। तो दोस्तों इस लाइन में भी आप देख सकते हो एक छोटा सा रजिस्टर डाला हुआ है और एक छोटा सा कैपेसिटर डाला हुआ है इस तरह से, तो ये है पिन नंबर 26, मतलब ये दोनों इनेबल पिन आप इसको बोल सकते हो, मतलब एक CPU से आने वाला है इनेबल पिन और दूसरा पावर IC से यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल से आने वाला इनेबल पिन। तो इस तरह से दो इनेबल पिन FEM को मिलने के बाद FEM मतलब काम के लिए रेडी हो जाता है। तो मतलब सबसे पहले इसको वोल्टेज मिल गया, तो इसको दो वोल्टेज मिला, एक 3.7 एक 2.8, उसके बाद इसको मिला मतलब ये जो CPU का इनेबल सिग्नल और उसके बाद इसको यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल का इनेबल सिग्नल मिल गया।
तो अब क्या होगा, FEM IC बिल्कुल रेडी कंडीशन में आ जाएगा। अब रेडी कंडीशन में आ जाने के बाद ये सिग्नल को आउट करेगा, लेकिन सिग्नल इसमें तो नहीं होता, सिग्नल इसको RFIC दे रहा होता है। तो RFIC इसको सिग्नल दो लाइनों से देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिन 22 और पिन 3। तो दोस्तों FEM IC का जो 22 पिन है उसमें आप देख रहे हो GSM 900 फ्रॉम RFIC एंड ये फिल्टर, मतलब RFIC जो सिग्नल देता है तो डायरेक्ट इसको नहीं देता है, मतलब फिल्टर करके इसको दे रहा होता है। तो इसमें जो सिग्नल आ रहा है वो 900 बैंड का है, मतलब मोबाइल में जो सिग्नल इन होता है या आउट होता है तो 900 या 1800 दो बैंड में इन आउट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इससे जो सिग्नल आउट होने वाला है उसका जो रेंज है वो 900, यानी कि आपके मोबाइल में अगर आप 900 में चलने वाले सिम यूज कर रहे हो तो जो आपका सिम से सिग्नल आएगा वो इस, मतलब इस लाइन से बाहर जाने वाला है। लेकिन आपके मोबाइल में 1800 बैंड का अगर सिम है, मतलब 1800 टू 1900 बैंड को 1800 बोला जाता है। तो दोस्तों ये दो लाइन हो गया, मतलब दोनों लाइन में से कोई एक लाइन यूज होता है, दोनों लाइन सेम टाइम नहीं यूज होता है, मतलब वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के अंदर कौन सा सिम चलता है। तो वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, सभी का अलग अलग एक फ्रीक्वेंसी का चैनल होता है। तो मोबाइल के लिए जो चैनल है वो 900 है और दूसरा जो चैनल है 1800 है। तो कोई भी अगर मोबाइल कंपनी अपना खोलता है तो मतलब 900 बैंड का कोई एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी लेगा या तो 18 टू 1900 बैंड का कोई फ्रीक्वेंसी वो ले सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे मोबाइल में जो सिम है उसके मुताबिक हमारा जो सिग्नल है या तो 900 वाले लाइन से जाएगा या तो 1800 वाले लाइन से बाहर जाएगा। तो इस लाइन से मानिए सिग्नल आया या मानिए इस लाइन से सिग्नल आया, तो ये सिग्नल FEMIC को आएगा और FEMIC उस सिग्नल को एंटीना को देगा, मतलब ये जो 3 वाले लाइन है उससे आए तो भी एंटीना में जाएगा या 22 वाला जो लाइन है उससे आएगा तो भी इस तरह से एंटीना में जाके और वो सिग्नल क्या हो जाएगा, हमारे जो मोबाइल का एंटीना है वहाँ पे जाएगा और उससे जो नज़दीकी टावर होता है मोबाइल का, मतलब जिस ऑपरेटर का हम सिम यूज़ कर रहे हैं उसके ऑपरेटर का जो नज़दीकी टावर है वहाँ पे जाएगा और उसके बाद वो हेड ऑफिस में जाएगा, जिसे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मतलब हम किसको फ़ोन कर रहे हैं, और सभी रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद जिसे हम कॉल कर रहे हैं उसके नज़दीकी टावर में जाके और उसके बाद फिर उसके मोबाइल में कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो बाहर जाने वाला सिग्नल है वो पहले FEM को दिया जाता है और फिर एंटीना को सेंड किया। कोई भी मोबाइल हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मोबाइल को डिसेबल करना होता है, खोलना होता है। मोबाइल को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम क्या करते हैं उसका हाउसिंग खोलते हैं, कवर खोलते हैं। तो हाउसिंग खोलने के लिए हमें ओपनर टूल चाहिए होता है, आप देख सकते हो इससे भी ओपनर टूल है, ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का है और एक ये मेटल का है और ये है डिस्प्ले और टॉच, ये फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो ये बेंड हो रहा है, मतलब ये डिस्प्ले टॉच को निकालने के लिए यूज होने वाला ये ओपनर टूल है और ये हाउसिंग को निकालने वाला ओपनर टूल है। तो हमें कौन सा चाहिए, सभी चाहिए, ये प्लास्टिक का सिर्फ लेने से नहीं होगा, ये मेटल का सिर्फ लेने से नहीं होगा, हमें जितना टूल होता है ओपनिंग करने के लिए सभी टूल चाहिए, क्योंकि किसी सेट में कोई लगता है, किसी सेट में कोई लगता है और एक अलग से आप देख सकते हो इस तरह का सेट भी आता है। आपके पास जितना ज़्यादा टूल हो उतना आपको काम करने में आसानी होगा, टूल खरीदने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ओपनर टूल जिसे हम मोबाइल को खोलेंगे, और हाउसिंग खोलने के बाद हाउसिंग के अंदर स्क्रू होता है, तो वो स्क्रू को खोलने के लिए हमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आप देख सकते हो मोस्टली 70% 80% ये प्लस वाला स्क्रू यूज होता है ज़्यादा करके, ये भी प्लस है और ये मल्टी स्क्रू ड्राइवर है, इसके अंदर बहुत सारे बीट होता है, ये बीट का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप का जो सेट है उसको खोल सकते हैं, मतलब मोस्टली हमें 70% से ज़्यादा यही लगेगा, किसी किसी सेट में अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर भी लगता है, तो उसके लिए हम मल्टी भी ले सकते हैं या इस तरह का डिफरेंट सेट आता है तो उसको भी हम ले सकते हैं। और आईफोन को खोलने के लिए हमें कुछ अलग स्क्रू ड्राइवर ज़रूरी होता है, आईफोन के लिए इस तरह का अलग एक स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स आपको लेना होगा। तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर, आप देख तो स्क्रू ड्राइवर आपको पता चल गया, सबसे ज़्यादा ये लेना है आपको, मतलब दूसरा आपके पास नहीं हो फिर भी आप एक ये ले सकते हो और बाद में लेने से भी होगा, स्टार्टिंग में आपको ये लेना है, अगर आपके पास बजट है तो आप सभी ले सकते हो। तो इससे हम सेट को खोल सकते हैं, इस खोलने के लिए हमें ओपनर टूल, स्क्रू ड्राइवर दो चीज़ चाहिए। खोलने के बाद हमें अब इसको रिपेयरिंग करना है, रिपेयरिंग करने के लिए मतलब डिफरेंट कनेक्टर को निकालना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए ट्वीजर, इसको ट्वीजर बोला जाता है, आप देख सकते हो, तो इस तरह का ट्वीजर आता है, जो बजट इसका थोड़ा हाई है लेकिन ये अच्छी हाई क्वालिटी का ट्वीजर है, और इससे भी ज़्यादा आप 2-3 हज़ार का ट्वीजर भी आप ले सकते हो, लेकिन शुरू में आपको मीडियम रेंज का ट्वीजर आपको लेना है।
मतलब डिफरेंट चीज़ को निकालने के लिए, जोड़ने के लिए इस तरह का आयरन लेना होता है। आप देख सकते हो जितने मोस्टली मेरा जो सामान है वो सनशाइन कंपनी का होता है। सनशाइन का अभी तक का बेस्ट सामान मिलता है मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। आपको जो भी सनशाइन का सामान मिले वो सनशाइन के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तो भी दूसरा किसी कंपनी का ले सकते हैं, बाकू या कोई अदर कंपनी का आप ले सकते हैं। और आयरन रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए, इसको आयरन स्टैंड बोला जाता है। और आयरन को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए पेस्ट, तो आप देख सकते हो इसको पेस्ट बोला जाता है। ये नॉर्मल पेस्ट है, और अगर आपको आईसी रिपेयरिंग करना है तो स्पेशल टाइप का पेस्ट आपको लेना होगा। ये आईसी पेस्ट बोला जाता है, ये नॉर्मल पेस्ट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए शोल्डर वायर, आप देख सकते हो इस तरह का शोल्डर वायर, ये पतला वाला है शोल्डर वायर, इसका थिकनेस बहुत ही पतला है। और ये है थोड़ा मोटा वाला शोल्डर वायर, तो आपको पतला वाला लेना है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और जनरल काम के लिए ये भी चला सकते हो, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये बेस्ट होता है, थोड़ा जल्दी पैक मेल्ट हो जाता है और काम करने में भी बहुत ही आसान आपको ये शोल्डर वायर रहेगा। उसके बाद इसको बोला जाता है जम्पर वायर, मतलब जम्पर का काम अगर आपको हो तो शोल्डर वायर के साथ साथ आपको जम्पर वायर भी लेना है। अब डिफरेंट कनेक्टर को निकालने, जैसे मोबाइल का जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, सिम कनेक्टर होता है, जैसे आप देख सकते हो ये सभी काम, अब चार्जिंग कनेक्टर हो गया, सिम कनेक्टर हो गया, तो आईसी हो गया, ये सभी को निकालने के लिए आपको इस तरह का मशीन चाहिए। इसको बोला जाता है हॉट गन या एसएमडी मशीन, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको बोला जाता है हॉट गन या एसएमडी मशीन, तो आप ले सकते हो। इसका भी प्राइस आपको डिफरेंट टाइप का मशीन मिलेगा, तो आपको शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो मीडियम ले सकते हो, नहीं तो ये मतलब 2000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, 20,000 का भी आता है, तो आपका बजट कैसा है वैसा आप ले सकते हो। आईसी का काम करना है तो आपको हाई बजट लेना होगा, अगर आईसी का काम नहीं करना है तो आप मतलब 2000 का रेंज का हॉट गन भी यूज करके काम कर सकते हो। और ये है मल्टीमीटर, जो डिफरेंट टेस्टिंग होता है मोबाइल का, जितने भी टेस्टिंग होता है सभी टेस्टिंग के लिए हम मल्टीमीटर यूज करते हैं। और हॉट टेस्टिंग इसको बोला, इससे जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है कोल्ड टेस्टिंग। और जो हॉट टेस्टिंग होता है उसके लिए हमें डीसी सप्लाई देना होता है, तो डीसी सप्लाई देने के लिए इस तरह का मशीन होता है। मशीन आपको 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर का होता है, तो ये 5 एम्पियर वाला मशीन है। और इसमें डिजिट होता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो ये मतलब 4 डिजिट आप देख सकते हो, 4 डिजिट मशीन है, तो 4 डिजिट होने पर आपको फॉल्ट फाइंड करने में आसानी होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा बजट उतना अच्छा मशीन, और उतना मतलब आपको ईजी होगा रिपेयरिंग करने में। उसके बाद इसको बोला जाता है रोजिन पेस्ट, ये भी एक स्पेशल पेस्ट है, इसका यूज करके आप मतलब डिफरेंट चीज़ को जोड़ सकते हो, माइक वगैरह हो गया, आईसी वगैरह हो गया, और शॉर्टिंग अगर मोबाइल में शॉर्टिंग है तो उसको भी फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे डिफरेंट टाइप का टेप होता है मोबाइल के लिए, जैसे डबल टेप मतलब दोनों साइड मतलब जोड़ने के लिए यूज होता है टेप, तो इसको डबल टेप बोला जाता है। और ये हो गया एल्युमिनियम या सिल्वर टेप। मोबाइल के बोर्ड में वर्क करने के टाइम में क्या है, जैसे आप मतलब इस आईसी को निकालना है या यहाँ पे काम करना है, तो इसके बगल के जो आईसी कंपोनेंट होता है उसको हीट ना लगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेप का यूज करके ये जो एरिया है उसको कवर कर सकते हो। मतलब जिस पार्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको कवर करने के लिए टेप यूज किया जाता है, मतलब ये हीट को अंदर घुसने नहीं देगा, तो इस तरह का टेप को हीट रेजिस्टेंस टेप भी बोला जाता है या थर्मल टेप भी बोला जाता है। आप देख सकते हो ये भी थर्मल टेप, इसको एल्युमिनियम टेप बोला जाता है, दोनों में से आप कोई का यूज कर सकते हो। मतलब बेटर ऑप्शन ये है, अगर आपके पास ये ना हो तो इसको यूज करके भी आप काम चला सकते हो। तो लिक्विड आप देख सकते हो, ये है यूनिवर्सल लिक्विड को फ्रेम लिखा हुआ है, मतलब फ्रेम निकालने के लिए जो डिस्प्ले जो फ्रेम होता है, जैसे आगे का जो मोबाइल का जो डिस्प्ले टच होता है आप देख सकते हो टच, और नीचे इस टच के नीचे डिस्प्ले होता है, तो डिस्प्ले को निकालने के लिए डिस्प्ले और टॉर्च जो होता है वो ग्लू से अटैच होता है, तो उसको ग्लू को मेल्ट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है नो हट टू एलसीडी, देख सकते हो नो हट टू एलसीडी, नो हट टू फ्रेम, मतलब फ्रेम को भी दिक्कत नहीं होगा, इससे एलसीडी को भी दिक्कत नहीं होगा, नो हट टू फ्लेक्स मतलब इसके डिस्प्ले का जो फ्लेक्स होता है उसको भी कुछ भी खराबी नहीं करेगा। तो मैं मतलब इसका यूज करके हम ये डिस्प्ले को आसानी से निकाल सकते, क्लीन करना हो, ग्लू को क्लीन करना हो तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, या ग्लू को क्लीन करने के लिए इस तरह का लिक्विड भी आता है फाल्कन 530, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। और ये फ्रीज स्प्रे है, मतलब मोबाइल के बोर्ड में अगर शॉर्टिंग हो गया है तो एक लिक्विड का स्प्रे का यूज करके हम शॉर्टिंग का एरिया जो है उसको फाइन करते हैं। ये डिस्प्ले में अगर गंदा लग गया तो उसको क्लीन करने के लिए स्क्रीन क्लीनिंग किट आप देख रहे हो, इस तरह का लिक्विड लगता है। और उसके बाद
आप भी देख सकते हो लिक्विड है, इसे बोर्ड क्लीन किया जाता है। जैसे बोर्ड में मतलब वाटर डैमेज बोर्ड है, या मतलब काम करने के बाद जो गंदा हो जाता है बोर्ड, तो उसको क्लीन करके पहले जैसे बनाने के लिए लिक्विड यूज़ किया जाता है। ये अगर नहीं है तो पेट्रोल भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड हो गया, 5 टाइप का लिक्विड आपको लगेगा। उसके बाद आप एक ग्लू का यूज़ कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले टॉर्च अगर निकालते हो तो उसको फिर से चिपकाने के लिए इस तरह का ग्लू यूज किया जाता है। और वो लिक्विड रखने के लिए, वो सभी जो लिक्विड है वो रखने के लिए इस तरह का पॉट भी आप अलग से ले सकते हो। मतलब क्योंकि लिक्विड ऐसे ही डायरेक्ट आप डालोगे तो क्या होगा, ज़्यादा गिर जाएगा। और ये बोतल यूज़ करके आप थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद करके लिक्विड डाल सकते हो। तो इस तरह का पॉट भी आपको लेना जरूरी होता है। डिस्प्ले निकालने के लिए इस तरह का ओपनर भी आता है, इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोला जाता है। जैसे बोर्ड में काम करने के बाद आपको मतलब देखने के लिए इस तरह का लेंस भी आप यूज कर सकते हो। मोबाइल में अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसको निकालने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज किया जाता है, जिससे हम मोबाइल के बोर्ड में जो शॉर्टिंग का एरिया है उसको फाइंड कर सकते, कंपोनेंट शॉर्ट है या आईसी शॉर्ट है उसको फाइंड करने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज किया जाता है। तो आप डिस्प्ले को निकालने के लिए इस तरह का डिस्प्ले हीटिंग मशीन, आप ये देख सकते हो डिस्प्ले को हीट करने के लिए ये मशीन यूज किया। आईसी से रिलेटेड जितने भी काम होता है या जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको करने के लिए आपको इस तरह का मशीन लेना है, इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। और माइक्रोस्कोप के ऊपर में आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, मतलब इसमें जो जितने भी छोटे कंपोनेंट है वो सभी को बड़ा करके दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रख दिया हूँ और यहाँ पे आप मॉनिटर में देख सकते हो स्क्रीन में, कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आईसी का नंबर सभी आपको क्लियरली यहाँ से दिख जाएगा। तो मतलब माइक्रो लेवल का काम करने के लिए ये इस तरह का मशीन हमें लेना जरूरी होता है। इसमें नीचे लाइट लगा होता है, लाइट को ब्राइट लाइट का ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा या इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के चलते हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर कैमरा नहीं होगा तो ये मॉनिटर में नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको सिर्फ काम करना है तो मतलब विदाउट कैमरा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरह का मॉनिटर में दिखाना है और मॉनिटर में देख के काम करना है तो आपको कैमरा लेना जरूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मार्ट चार्जर है, मतलब इसका यूज़ करके हम मोबाइल, कोई मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ से ले सकते हैं। इसमें एम्पियर शो करता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज भी होता है और साइड में आप देख सकते हो वोल्टेज के साइड में एम्पियर भी लिखा हुआ है, एम्पियर भी शो करता है, मतलब मोबाइल का प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल का अनलॉकिंग करने के लिए मेरे पास ये MRT का बॉक्स है, UFI बॉक्स है और UFS बॉक्स, इस तरह का। UFS तो अभी खास यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अभी चलने वाला UFI बॉक्स है। और अनलॉकिंग करने के लिए MRT UMT इस तरह का बॉक्स भी, डंगल भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए हमें ज़रूरी होने वाला टूल्स। और मैं आपको जो मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ उसमें मैं सभी टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा, सभी टूल को कैसे यूज करना है, किसी भी मोबाइल में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जैसे बोर्नियो एस्मेटिक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बोर्नियो एस्मेटिक है, इसका यूज़ करके हम मोबाइल का जो डिफरेंट प्रॉब्लम होता है बोर्ड लेवल का, आईसी लेवल का, कनेक्शन डायग्राम सभी को देख सकते हैं। और मोबाइल रिपेयरिंग करने में हमें बहुत ही आसानी होता है, तो इसको खरीदना होता है बोर्नियो एस्मेटिक्स, आप देख रहे हो बोर्नियो फ्लैशर के द्वारा। और इसमें जैसे आप देख सकते हो हार्डवेयर सॉल्यूशन, बीट मैप, स्कीमेटिक, लैपटॉप पीसी मॉनिटर सभी का दिया हुआ है। और कौन कौन सा, जैसे लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हो नए नए इसमें बहुत सारे लेटेस्ट, जैसे रेडमी नोट 5A, मोटरोला, मतलब डिफरेंट सीरीज का आपको अपडेट है। इस सभी का नॉलेज मैं आपको मेरी वीडियो सीरीज में देने वाला हूँ, और जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम होगा। और इसका प्राइस जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर में, और मेरे कोर्स, और मेरा कोर्स रेडी है और उसको आप बाय कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए, आपका मन लगता है तो सब्सक्राइब कर लें।